ओके गाइस आर वे लाइव लाइव है क्या बता दो आ जाओ यहाँ पर वाचिंग नहीं आया सो आई एम अ बिट कंफ्यूज डेट के यार हो ना तो चाहिए था एम आई लाइव गाइस ए या गाइस यस आई थिंक डेट वी आर लाइव यप 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 हेलो हाय व्हाट्सअप सॉरी लेट uh, हुआ एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज बनाने की कोशिश की थी आपके लिए बट वो लेट वाला सरप्राइज नहीं एक्चुअली <laughs> बनाने की कोशिश की हमने कि uh, आपके लिए क्विज हो जाए अभी यहाँ पर सो so, उसने लेट ले लिया बट आप कोई क्विज एंजॉय करोगे और खुश जाओगे है ना ओके okay? सो so, uh, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्विज है लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उस रिलेटेड क्वीज है जो भी रेडॉक्स में बातें हमने पढ़ी उस रिलेटेड क्वीजेज है फाइव फाइव क्वेश्चन के एटलीस्ट दो तो क्वीज लूंगा ही मैं हो सके तो तीन भी ले लूंगा फाइव फाइव क्वेश्चन के हैं सो so, फटाफट -फड़ आ जाओ ज्वाइन करो कोड यहां पर लिखा हुआ है।, है ना चलो और भी लोगों को बुला लो फटाफट फटाफट आ जाओ ज्वाइन करो फटाफट फटाफट ज्वाइन करो भाई जल्दी 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 सो दैट के मैं स्टार्ट ही करूँ यहाँ से और उसके बाद फिर से पढ़ाऊँ आपको बीच बीच में फिर है ना यस वेट करो अभिषेक वेट कर रहा हूँ आ जाओ और भी लोगों को बुला लो भाई फटाफट आ करके ज्वाइन करो मेंटी में ये जस्ट फॉर द यहाँ पर मतलब बहुत हम अभी यस मेंटी ज्वाइन हो गया ना आदित्य ऑसम यार बहुत अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और भी लोग ज्वाइन कर ले तब तक ये बताओ आप खिलाड़ी? <laughs> नहीं दोस्त खिलाड़ी तो तू निकला इंटरनेशनल कौन से इंटरनेशनल में पढ़ता है बताया नहीं कर लिया ना मोक्षित ऑसम यार आ जाओ और चार पांच लोगों को देखते हैं आने देते हैं उसको फिर स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है आई एम क्लास फाइव स्वराशिश कुंडू यू आर इन क्लास फाइव देन यू आर फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो एंजॉय करो <laughs> पढ़ाई क्यों कर रहे तो <laughs> <laughs> ओके तो आई जी सी एस सी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बढ़िया 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 इसे कुछ स्पेशल फायदे हैं क्या मोक्षित इज देयर अ काइंड ऑफ के कोई स्पेशल फायदा है यहाँ पर हाँ चलो भाई और लोग ज्वाइन कर चुके हैं और तो यार जल्दी आ जाओ ये मेंटी मेनटी जो अपने रेडॉक्स पर बेस्ड है फटाफट और ज्वाइन करो सारे लोग फटाफट आ जाओ चेक करो देखो फाइव क्वेश्चन हैं अभी फिर इसके बाद पढ़ेंगे बीच में फिर फाइव क्वेश्चन आएंगे ओके, सो सो वी विल बी के और भी ज्यादा सर वेर कोड यहाँ होता है हमेशा टॉप में होता है मेंटी में हमेशा टॉप में कोड होता है सेवन और सिक्स डिजिट सिक्स और सेवन डिजिट सर आ, सर कल ही कल कहीं गया इसलिए कल नहीं आ पाया अभिषेक भाई हाँ, ऐसा नहीं पढ़ाई छोड़ के नहीं जाना दोस्त है ना गाइज और लोग आ जाओ यार और कौन आ रहा है साथ में फटाफट रेडॉक्स के जल्दी से जल्दी क्विजेस किए जाए पढ़ा जाए फिर क्विज किए जाए बीच में खाया भी जाएगा है <laughs> ना आने का काम भी किया जाएगा बीच में भाई बहुत जरूरी है अच्छा ज़्यादा ही ठंड लग रही क्या मुझको है गाइज फटाफट ज्वाइन करो यार जल्दी ज्वाइन करो यार क्या कर रहे हो आप लोग कहाँ हो सारे लोग फिर स्टार्ट करें क्या अभी ठीक है ओके सो सर इंटरनेट क्रैश होने वाला है आई माइट लिव इन मिडल किडल इससे पता चलेगा सच में क्रैश होने वाला इंटरनेट ओके चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं जो भी लोग ज्वाइन किए हुए कोई बात नहीं और फिर आगे ये पार्ट बाई पार्ट पार्ट क्वीज है बस क्वीज़ को स्टार्ट ही कर रहे हैं ठीक है सर कल लास्ट पार्ट मिस कर दिया कोई बात नहीं स्मिथ स्टिल स्कोर गुड चलो करें बढ़ते हैं देखते हैं काफ़ी है। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है ऐसे भी ज़्यादा लोग ऑब्वियसली अपने सेशन में जितने कम लोग हैं उतना अच्छा है सो सो दैट कि मैं चैट वैट अच्छे से पढ़ पाऊं है ना लेट अस स्टार्ट ओ स्टार्ट ओ सो स्टार्ट करते हैं आई थिंक दैट के यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टार्ट काउंटडाउन सो आई शुड स्टार्ट लाइक दिस ओके वाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन एच टू एस एन ओ सिक्स एच टू एस एन ओ सिक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन सफिशियंट टाइम मिला आपको और ये क्लास में हमने डिस्कस किया था ना एक्स्टुएशन ओ सिक्स टाइम्स आप ओह भाई किसी ने भी सही आंसर ही नहीं दिया रुला दिया सबने बहुत रुलाया मुझे तो बहुत ज्यादा रुलाया क्या हाल बना रहे हो आप ये तो गलत बात है यार कैसे आपने ऐसा कर दिया सी हमने टून ये सिक्स एसिड का सीरीज है अगर ये पॉलीथाइनिक एसिड का सीरीज है गाइस तो क्या बताया था कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका टर्मिनल सल्फर एटम्स होंगे इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉर्म टर्मिनल सल्फर एटम्स दो टर्मिनल सल्फर एटम्स दो डबल बॉन्ड ओ के साथ और एक एक ओ OH एच के साथ ये फिक्स हो गए अब जितने भी सल्फर बच गए सारे सल्फर बीच में आएंगे आएंगे ना सो so यहां पर कितने सल्फर थे टोटल एन सल्फर थे एंड हाउ मेनी सल्फर यू हैव एक्चुअली टू सो कितने सल्फर बच गए देखा कितने सल्फर बचे रह गए और ये सारे ब्रिज वाले सबका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना और ये टर्मिनल वाले का कितना होता है प्लस फाइव सो so दो वैल्यूज वैलिड वैल्यूज है जीरो प्लस फाइव दो वैल्यूज वैलिड वैल्यूज है जीरो और प्लस फाइव अब सोचो आप कोई भी और वैल्यू वैलिड होगी नहीं होगी तो वैलिड अगर नहीं होगी तो करेक्ट आंसर हुआ जीरो जो आपको चार में से एक बेटर मिल रहा था एक वो एक ऑप्शन था जीरो गड़बड़ कर दिया आपने आप क्या हलवा क्वेश्चन सोचे हुए हो क्या ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा सॉरी गाइस चलो अपनी गलती आपने पहचान ली प्लस फाइव बट गिवेन ही नहीं था प्लस फाइव क्यों देंगे जीरो दिया होता जीरो टिक कीजिए है ना ओके बढ़ रहे आप अपनी गलती समझ गए सो हम्म जीरो 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 इसकी फोटो ले ली जाए बट थैंक यू भाई रोमो रॉक्स रोमो रॉक्स के लिए सर का अभी दीवार है भाई हरा भाई तो अपने लड्डू लाए इसकी फोटो चाहिए मुझको तो लेट मी टेक अ फोटो <laughs> भाई रोमो रोमो वर्सेस आर्मी में रोमो को तो, दस पॉइंट मिल गए हैं और आर्मी ने लड्डू लाए सो so भाई फोटो लिया जाए पहली बार इतिहास में आर्मी ने एकदम लड्डू लाए और किसी ने भी कुछ नहीं लाया सोचो तो <laughs> है ना अभी आप गुस्से में आ रहे हो गए तो बहुत बेजती है बहुत बेजती है लेकिन चलिए बेजती क्या ही बोलिएगा बेजती नहीं है तो होते रहती है इसी दिन लड़ से स्टार्ट ठीक है इस दर लैग का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं so, अब लैग बताओ मुझे पहले लैग है ये केमिस्ट्री है तो होगा ही अरे नहीं रायन क्या बातें कर रहे हो स्टार्ट किया जाए ठीक है देर इज नो लैग राइट ओके स्टार्ट Wow, मैं यहीं पर हूँ दैट इज गुड चलो यार मतलब सिंसियरली मैं ऑप्शन पढ़ने का मौका दे रहा था मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको बीच <laughs> में डिस्ट्रैक्ट करूं सो ऑप्शन लेट सी कितने लोगों ने तोड़फोड़ मचाई है हाँ हा, इस बार ओ भाई मैं फसाने में कामयाब हो रहा हूं मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं हाँ। देखिए तो कितने प्यारे तरीके से आपको आपको गया देखिए 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 किस तरह से कैरोज एसिड और मार्शल एसिड दोनों की दोनों क्या पेरोक्साइड है ठीक है अब अगर दोनों पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड है तो माइनस वन तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बट ये कहना गलत है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन माइनस वन ना ये नहीं होता है दिस हैपन ये नहीं होता दोस्तों माइनस टू भी तो होता है ना माइनस टू भी तो होता है माइनस टू भी होता है माइनस वन भी होता है सो so ये कहना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन माइनस वन ये गलत है बॉन्ड्स आर वेरी स्टेबल ऐसा तो गलत है बॉन्ड्स टूट जाते हैं अनस्टेबल होते हैं ओनली टू प्रोक्साइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट नहीं एक प्रेजेंट होता है एक एक प्रोक्साइड बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट होता है एक से ज्यादा नहीं होता है अच्छा वोट के नॉट दिखाया चलो कोई नहीं आपने सही किया अरे सही किया तो कोई बात नहीं मेंटी की क्या जरूरत आप खुद से खुद को मार्क्स दे दो ठीक है ये तो जस्ट फॉर द रिविजन परपज ना थोड़ा सा मैं बस इंटरेस्टिंग वे में चाह रहा था कि हो जाए सो so, मजा है थोड़ा लेने के लिए चलो बढ़ते भाई ओके सो 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 बढ़िया 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 अभिषेक अदिति सुनो रे सब मोह बढ़िया नाम है भाई मोक्षित रोमो रॉक्स थैंक्स भाई सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड आर यू रेडी गाइस सर लोग रेडी है रेडी 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 ओके चलो लेट अस मूव ऑन स्टार्ट द काउंटडाउन आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स

बढ़िया इस बार तो ज्यादा अब एंड <laughs> ये इंट्यूशन से बनाया गया नहीं 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 ये इंट्यूशन से बनाया गया ये तो इंट्यूशन से बनाया गया मैं समझ रहा हूँ देर वॉज एन इंट्यूशन दैट के ओके बोथ एंड बी देयर और इसीलिए जो आपने जो इस तरह से ना सॉल्विंग कर दी मैं समझ रहा हूँ बहुत समझ रहा हूँ ये <laughs> ये गलत बात है नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बहुत गलत बात है इंट्यूशन से बनाया गया जरा एक्सेप्ट करना इंट्यूशन से ना यू ऑल हैव बाय इंट्यूशन यार ऐसे नहीं होगा है ना चलो कोई नहीं यार जो भी है जिया वाज़ द फास्टेस्ट सो तो अभिषेक आदित्य मानस अमृतेश विनर निकोलस मोक्षित दुर्गा एवरी वन इज अटेपिंग क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजर कौन नहीं है कौन ऑक्सीडाइजर नहीं है तो फर्स्ट वन इज के मेनो फोर अगर विजिबिलिटी में कमी के फोर Ammonia, NH3, then K2Cr2O7, then O3, KMnO4, NH3, K2Cr2O7, O3. Which of the following is not an oxidizer? Not an oxidizer, guys. Is the picture clear? Is the picture clear? मैं यहां पर अगर लिख भी दूंगा, है ना? So मुझे नहीं लगता आपका तो time और वैसे ही चलता रहेगा, है ना? तो so, भाई KMnO4 है, then NH3 है. दे के टू सी आर टू सेवन एंड देन ओ थ्री राइट चलो ये ये ऑप्शन है दीज आर दो लेट सी क्या हुआ ओके फिर से मेजोरिटी करेक्ट ओके सो ये भाई ये लास्ट के दो क्वेश्चन तो ऐसे थे हा लैग इज कमिंग क्या हो गया भाई इंटरनेट को इंटरनेट भाइया रुला रहे हैं भाई साहब इंटरनेट जी क्यों रुला रहे हैं यार देखो यार मैंने एक बार फिर से रिफ्रेश मारा है जरा देखना अभी ठीक है नो सर फाइन है ओके मतलब अपने साइड भी इंटरनेट कनेक्शन देखते गाइस सो क्या हाल चलेगा इस क्या देख दिख रहा है लेडरबोर्ड पर कोई चेंजेस है यस 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 स्मिथ बाफना रोमो इज इस... Going, yes, fastest यार बहुत अच्छे so, winner, रमानस, जी अभिषेक अभिषेक सूद सूद और इनमें डिफरेंसेस कम है ये इस सेक्शन का अपने oxidation, स्टेट वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं फिर बीच में मेंटी में करेगा H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए याद है पेरोक्साइड याद है पेरोक्साइड पेरोक्साइड का क्या फंडा था वही फंडा यूज करना आपने एट सिक्स फोर टेन एंड द करेक्ट इज ओ भाई इस बार तो, तो, तो थोड़ा सा लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे

अदिति जीत गई ओ भाई, चलो, कोई नहीं आ, अब कोई भी हो, वैसे और बाकी जो भी लोग जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया सभी मेरी नजर में विनर है ऑब्वियसली भाई जिनका नाम फ्लैश किया उनके एक्स्ट्रा कॉन्ग्रेचुलेन बट मीन के आप यहां पर डीमोटिवेटेड हो ये मेहनत ही मैंने की है आपको मोटिवेट करने के लिए आपको Happy करने के लिए सो so चलो स्टार्ट किया जाए भाई आगे चला जाए देखा जाए कि अब आगे फिर नेक्स्ट बीच में फिर से एक मिनट ही करेंगे देखिए अभी हमने का उसके बाद हम करने वाले हैं किसका हम करने वाले हैं इसके बाद फिर एन फैक्टर का इक्वेलेंट वेट का है ना और उसी में अलग अलग लेवल्स होंगे फिर फाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन ऐसे होंगे उनका हम फिर फर्दर मेंटी करेंगे ओके ठीक है सो so, प्रोसीड करते हैं आगे भाई वेयर इज The mail and where is the slides okay here are the slides chalo bhai slides aa gaye to फटाफट 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 slides आ जाए where are the slides okay mole and equivalent ah, i think that mole and equivalent right terminator 2 hai na yes terminator 2 hai mole and equivalent concept okay isme mujhe cheeze samjhani hai hmm i have a blank slide right okay

तो गाइस देखो अब क्या है आज का पर्पस क्या है कल कहां पर रुके थे हम मुझे इज एनी टू रिकॉल मी दैट के कहां पर हम रुके थे हाँ यहां पर तो हम रुके थे ये माला जो कल भी बीच बीच में आ रही थी और आज भी है ये माला दूर नहीं जाने वाली है ना तो क्या मुझे बताओ कल कहाँ पर रुके थे हम आपकी हालत तो कल बुरी हो गई थी लोगों की <laughs> है ना कल बड़ी बुरी हालत हो गई थी लोगों की हुई थी ना भाई मुझे क्या है मैं तो ऐसे बिंदाज मैं तो ऐसे मजबूत खड़ा हूँ आप घबरा गए थे आपको पता नहीं क्या हो गया था शायद सो so, आर्मी क्या हाल है बड़ा बुरा हाल है <laughs> चलते नंबर ऑफ इक्वल सारे फॉर्मूले देखे थे आदिति भाई आदिति मुझे न्यूयॉर्क पे चाहिए बड़ा सा डेरी मिल्क सिल्क भेजो मेरे लिए जीरो <laughs> कैलोरीज वाला ओके okay, यस yes, कल फॉर्मूले पर रुके थे जी इज ऑल्सो देयर एंड अर्न इज ऑल्सो देयर ओके भाई हाई सर गेंड रिमेंबर यस 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 सो रहे हो ना मन में भाई क्या लिख रहे हो चलो फार्मूले की बात है तो फार्मूले याद है ना मैंने बताया था कि टाइट्रेशन के एक्चुअल रोल को देखना आप देखना आपको किस तरह से टाइट्रेशन में वो चीजें यूज होती हैं बट आप भूल गए आपने मुझे बात नहीं याद दिलाई कल जाते जाते आपसे डिस्कशन हो रहा था नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के एन फैक्टर का तो पहले नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के ना एन फैक्टर का डिस्कशन कर लेते हैं आपसे ठीक है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के एन फैक्टर का हम्म कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो सो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के इन फैक्टर वगैरह का डिस्कशन करते हैं देखो और फिर आपको आज ना स्लाइड्स भी ओपन करके आपको फटाफट दिखाएंगे अच्छा गाइस आप फिर से वही हरकत कर रहे हो जिसके लिए आई हैव आई हैव टोल्ड यू के यू शुड नॉट डू दिस थिंग यश कलतरी हाय भाईजान ओके हेलो भैया जान सो so, गाइस क्या बात चल रही थी हमारी के लास्ट टॉपिक हमारा था एन फैक्टर ऑफ नॉन रोडॉक्स रिएक्शन ये भी डिस्कस कर रहे थे है ना ये एक्चुअली आपको याद देना चाहिए था ऐसा डिस्कशन चल रहा था सो so, अभी एन फैक्टर ऑफ नॉन रोड रिएक्शन भी करते हैं मैंने बताया कि स्लाइड्स में भी चलेंगे बातें देखेंगे टाइट्रेशन का सेटअप देखेंगे सो so, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना वॉट इज टाइट्रेशन फाइंडिंग एन अनोन क्वान्टिटी इन अ गिवन रिएक्शन हाँ टाइट्रेशन एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से निकाला हुआ टर्म है यूज़ हम करते हैं थ्योरी में भी रोहित सर की क्लास मिस क्यों कर दी भाई कोई क्लास व्लास मत मिस क्या। अगर क्लास हो तो क्लास की है दोस्तों तो अच्छा, <laughs> हाँ, चल ओके नेक्स्ट टाइम से ना जिस दिन रोहित सर का क्लास क्लास यूट्यूब जो है वो चेंज कराएंगे या फिर डिले करेंगे ठीक है मतलब क्लास ऐसा ना हो आपको क्लास और यूट्यूब में कुछ चूज करना ऐसा ऐसा नहीं होने देंगे ओके सो गाइस क्या क्या बात है सुनो फटाफट -फड़, जो बची भी बातें थी एन फैक्टर ऑफ नॉन डेडॉक्स रिएक्शन वगैरह की वो फिनिश करते हैं आपको फिर पूरे सारे टाइट्रेशन के क्वेश्चन दिखाते हैं क्विजेस करते हैं और मास्टर रहते हैं खुश रहते हैं अच्छा कल फर्स्ट जनवरी है ना कल क्या है फर्स्ट जनवर आई थिंक देखो ना फिर मैं उधर ज्यादा लिख रहा हूँ हाँ आज फर्स्ट जनवरी है ना थर्टी फर्स्ट दिसंबर है <laughs> अरे थर्टी फर्स्ट दिसंबर कैसे हो गया आज थर्टी फर्स्ट कैसे हो गया गाईस? आज थर्टी फर्स्ट कैसे हो गया कैसे थर्टी फर्स्ट हो गया क्या है ये? थर्टी फर्स्ट कैसे हो जाएगा आज आज थर्टी फर्स्ट कैसे हो जाएगा ओहो भाई देखो ना पता है किसका मैसेज आया है अभिषेक सर का मैसेज आया है

ये समझ रहा हूं तू तो मेरे लिए बोल रहा है बात है ना ये ये देखा ये देखा देखा ये दिखा है लगे लगे ना कहेंगे नींद चार चलो तो देखो गाइस नॉन रिएक्शन पहले पहचानो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं जनरली एसिड बेस रिएक्शन होते हैं जनरली एसिड बेस रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होते हैं बट एक्चुअली नॉन रेडॉक्स मींस के देयर विल बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना देयर विल बी मैं पूछ रहा था आपको पीडीएफ फाइल्स मिले आपको आपने तो मुझे बताना नहीं है आपने तो मुझे बताना नहीं है फाइल्स मिले कि नहीं मिले आपको मिले स्मित ने बताया थैंक्स भाई कोई बताता नहीं है फाइल्स मिले असाइनमेंट मिली टफ है अरे कोई बात नहीं यार टफ है तो एक काम करेंगे नोट्स लेकर के ना लाइव में ही आपको बताएंगे कि आप इतना तो आपको मिनिमम करना वैसे तो वीडियो में जितनी बातें हैं वो मिनिमम मतलब कि उतनी तो आपको करके ही जानी है इतना करके जाओगे तो आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज रहेगा आपसे इस सेशन के बाद एक साल बाद मुलाकात होगी क्यों भाई कल क्या है <laughs> कल भी कुछ है कल के लिए सरप्राइजेज है समझ रहे हो कल के लिए ना सरप्राइजेज है और देख रहा हूं एक बहुत ही एक सेकेंड ओके सर बोर्ड्स <laughs> <laughs> okay, कब से होंगे बस कल रात खुलने वाला है कोई बात नहीं फैक्टर <laughs> नहीं, नहीं 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 रुको जरा मैं स्क्रीन से हट गया तो तुम लोग बैग गया कोई बात नहीं एसिड बेस रिएक्शन देर विल बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है

HCl का इन फैक्टर कैसे देखेंगे कितना H+ plus इसने ट्रांसफर किया 1 अब जैसे ही आपने n फैक्टर निकाल लिया NaOH का और HCl का 1 सो यू कैन आल्सो से दैट के इसका इक्विवेलेंट क्या होगा गाइस देखो इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा इक्विवेलेंट विल बी n फैक्टर मोल मोल कितने यहाँ पर 1 n फैक्टर कितना है 1 सो 1 1 1 बाय इक्विवेलेंट आ गया अब इक्विवेलेंट हर स्पीशीज के बराबर होते हैं तो मुझे पता है कि HCl का भी इक्विवेलेंट 1 ही आएगा NaCl का भी इक्विवेलेंट 1 आएगा H2O का भी इक्विवेलेंट 1 आएगा कल की बात याद करो कल हमने क्या बोला था कि अगर आपको मोलर रेशियो दिख रहा है तो उसका अपोजिट उसका उसका रेसिप्रोकल कर दो मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल कौन होता है एन फैक्टर रेशियो रेशियो तो मोलर है और एन फैक्टर रेशियो उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा अब मोलर रेशियो सबके वन इंस टू वन है मतलब सबके मोल्स अगर सेम है तो एन फैक्टर भी क्या आएगा सेम आएगा सो एन फैक्टर विल बी सेम फॉर एवरी स्पेशीज एन फैक्टर विल बी सेम फॉर एवरी स्पेशीज ठीक है एसिड और बेस का रिएक्शन से निकालना अभी हम थोड़ी देर बाद यह भी देखेंगे कि अगर रिएक्शन इन फैक्टर ओ एच देख लेना है कितने OH है? और एसिड का निकालना है तो देख लेना कितने एच प्लस है बट देखो आप फसोगे कैसे गाइस देखो आप इस तरह से फंसने वाले हो किस तरह से फसोगे तो उसे देखो वैसे आपके लिए आपको एक शॉर्टकट बता दे देखिए एन और एच इस तरह के जो स्पेसिज है ना जहां सिर्फ एक ही ओ होता है और जहां सिर्फ एक ही एच प्लस होता है उनका इन फैक्टर तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में वन ही होना है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता कि इन रेडॉक्स रिएक्शन सपोज दैट आर्मी तैयार हो जाना यहां पर आपको ना मैं अपने आपको फाइव मार्क्स दे दूंगा और आपके ना फिर मार्क्स काट दूंगा समझ तो रहे मैं फाइव से ऊपर चला जाऊंगा इंड्राडॉक्स रिएक्शन केयरफुल रहना इंड्राडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर ऑफ एन एच इज वन जीरो इनफाइनाइट बोलो डिपेंड्स ऑन रिएक्शन क्या रिएक्शन आएगा सॉरी क्या आंसर <laughs> आएगा फटाफट वन नहीं होता डी होगा बिकॉज कि भाई एन फैक्टर जो एन का है एन फैक्टर जो एन का है एन फैक्टर जो एन का है, है, है वो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन चेंज बट नॉन रेडॉक्स अगर होगा नॉन रेडॉक्स में वन आएगा अगर नॉन रेडॉक्स है तो उसमें वन ही आना है नॉन रेडॉक्स है वन आएगा नॉन रेडॉक्स है वन आएगा लेकिन अगर रेडॉक्स है सो वो तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन क्या है कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन समझ रहे हो जरूरी नहीं है कि वन हो जरूरी नहीं कि जीरो हो इनफाइनाइट तो खैर कुछ होगा ही नहीं ठीक है हाँ नींद के कारण सर लैग हो रहे भाई तू तो लैग के पीछे पड़ा हुआ ऐसा नहीं नेट कनेक्शन की वजह से हो रहे चलो सो एन फैक्टर फॉर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के सेक्शन में हम क्या देख रहे थे कि NaOH जैसा वो स्पीशीज जिसके पास सिर्फ एक ही OH है इसके लिए एन फैक्टर 1 आएगा ठीक है HCl वो स्पीशीज जिसके पास एक ही H+ plus है एन फैक्टर उसके लिए 1 आएगा ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया सो so, इसी तरह से मुझे बताओ HNO3 का एन फैक्टर मुझे इसी तरह से बताओ KNO3 का एन फैक्टर मुझे इसी तरह से बताओ फिर HBr का एन फैक्टर सो so, भाई HNO3 का एन फैक्टर कितना आएगा फटाफट 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 गाइज स्पीड स्पीड स्पीड, स्पीड वन आएगा ना के थ्री का टू आएगा ना एच आर का थ्री आएगा ना बताओ भी क्या कर रहे हो यस वन आएगा सबके वन आएंगे भाई ये नदी किनारे साफ है गलत आंसर लिखना पाप है वन आएगा है ना ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस के आंसर के आप अगर ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन के आंसर्स आप ना दो

उसके लिए क्यों सो so, अगर आपको कोई दूसरा सॉल्ट वगैरह मिले मतलब दिस इज नॉट एन एसिड दिस इज नॉट अ बेस ये सॉल्ट है तब आप इन फैक्टर कैसे निकालते हो यू जस्ट यू जस्ट लुक एट द कटैनिक पार्ट और ए पार्ट दोनों में से किसी एक पार्ट पर फोकस करो सो इफ आई लुक एट द कटैनिक पार्ट देर इज के प्लस यहां से कौन आएगा के प्लस देखा के प्लस कितने चार्ज इन्वॉल्व है एक इन फैक्टर वन हो गया

एच एन ओ थ्री के साथ आई एम आई एम टेकिंग एन फैक्टर किस किस स्पेश का वन है कौन कौन सी स्पेशज का टू है एन फैक्टर किस किस स्पेसिज का वन है किस किस स्पेसिज का टू है बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज हैज एन फैक्टर वन एच एन ओ थ्री वन है

राइट right? भाई आपका प्यार है जो बस मेहनत किए जा रहा हूं मैं आप पर उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे ठीक है गैस तो देखो ये एन फैक्टर वन हो गया ओके चलो अब थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा यहां पर ऐसा दे रहे हैं जिसमें कि वन इंस टू वन मोलरेश नहीं दिखाई देगा सो आप तैयार हो जाओ मेरा प्लस फाइव होने वाला है आपको लड्डू मिलने वाले हैं तैयार हो जाइए देखिए देखिएगा ध्यान से एच थ्री पीओ फोर एस थ्री फोर का स्ट्रक्चर जिसने गड़बड़ किया है और नहीं रिवाइज किया हुआ है वो फंसने वाले हैं सो हेयर इज एस थ्री पीओ फोर रियक्टिंग विद एन एच हेयर इज एस थ्री पीओ फोर रियक्टिंग विद एनएच एंड हेयर इज द सॉल्ट फॉर्मड एने एस टू फोर प्लस एच टू अब ट्रिक सुनिए अक्सर आपको जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन दिया जाएगा वो अनबैलेंस दिया जाएगा हाँ इसके बाद मैं मेंटी होगा क्या हाँ जी मैं मेंटी होगा मेंटी अभी दो बार और होना है दो अलग से हमारे पास सेट है मेंटी के तो बीच बीच हम करेंगे सो so दैट के हम रिफ्रेश भी रहे और रिवीजन भी होता रहे ठीक है और वही मेंटी की वजह से आज थोड़ा डिले भी, भी क्लास सो so गाइस अभी यहां पर क्या मैं बता रहा था फाइंडिंग एन फैक्टर एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एन फैक्टर क्या है फर्स्ट बैलेंस दे, देखिए जब हम निकाल रहे थे ये ये जो मेथड है टेल मी दिस मेथड इज नॉट फॉलोड एक्स मॉडल फॉर्मूला हम अप्लाई करके नहीं निकाल रहे क्यों वाई आर वी नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला वाई आर वी नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है नहीं Yes, अभिदीप, ये ये का का है ना? ये redox reaction का formula है ना? ना? So, आप non -redox में कैसे लगा देंगे जो आपने बातें वहां पर की थी नहीं कर सकते ना यहां पर थैंक यू भाई किसी ने आग लगाई है थैंक यू सो मच आग लगाने से थोड़ी गर्मी आती है तो थैंक यू सो मच सो अब यहां पर आप

तो फिर तो क्या ऐश है हमारी सी मोलर रेशियो वन 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 एन फैक्टर से हां ढेर सारा बम गोला बारूद आ गया मैं उड़ जाऊंगा भाई आराम से, आराम से आराम से आराम से आपको आग लगानी थी मतलब बॉम्बिंग बॉ, 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 नहीं करनी थी ओके मैं क्या बोला था मोलर रेशियो इज वन टू वन इंस टू वन तो अगर मोलर रेशो वन इश्टु वन है अब किसी एक का कंफर्म कर लो इसका कंफर्म है वन पहले मोलर रेशो सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोल मोलर रेशो इज वन इज टू वन इज टू वन फिर एक का कंफर्म हो गया मतलब मोलर हमें पता है कि मोलर रेशो और एन फैक्टर रेशो क्या होता है रेशो होते हैं सो so, हमने मोलर रेशो से ना एन फैक्टर रेशो निकाला मोलर रेशियो से इनफैक्ट रेशियो सेम आ रहा है अब एक का कंफर्म हो गया वन अब सबका भी वन ही होगा किसी एक का अगर इन फैक्टर इजिली निकल जाएगा बाकी सबका निकलना और इजी हो जाएगा ठीक है अब ये तो वैसा रिएक्शन था जो बैलेंस्ड भी और वन इश टू वन का आ रहा है देखते हैं वैसा रिएक्शन जिसमें कि वन इंस टू वन ना आए है, देखते हैं उसमें कैसे फंसते हैं वैसे रिएक्शन आप फंसने वाले यहां अदरवाइज आप रिएक्शन में फंसोगे नहीं नॉन डेडॉक्स का इन फैक्टर निकालना ईजी होता है अब देखिए इस तरह के रिएक्शन जो आपको फंसाएंगे प्लस अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा क्वेश्चन भी बैलेंस करके नहीं देगा आपको खुद से समझना होगा कि बैलेंस करना है ए थ्री पीओ फोर प्लस एच टू ओ देखा ये रिएक्शन है दिस इज द रिएक्शन एच थ्री पी ओ फोर एनए बना रहा है एनए थ्री पीओ फोर प्लस एच टू ओ आपका इन्फेक्टर हर स्पेशस का बनाना है बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस फर्स्ट स्टेप योर फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द रिएक्शन योर फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द रिएक्शन हाउ विल यू बैलेंस द रिएक्शन गाइस हाउ विल यू बैलेंस द रिएक्शन यू विल हैव टू पुट हियर

राइट right? ठीक वैसे ही आप फटाफट निकाल दो सी मोलर रेशियो एस थ्री फोर एंड एन सेम है सेम है ना सेम मोलर रेशियो सो सेम एन फैक्टर एन फैक्टर इज एन फैक्टर व्हाट एन फैक्टर वन देखा Finished. आई बात समझ चिलम चिल्ला चमका 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 ओके okay. है ना डन है बोलिए यस यस फिर से प्लीज ओके चलिए आइए फिर से प्लीज देखा जाए ना? है ना वैसा तो इजी था बट स्टिल चलिए फिर से देखते हैं फिर से देखते हैं डन करते हैं फिर से करने के बाद ही आइए देखिए

मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल एन फैक्टर रेशियो थ्री टू वन ओके नाउ अब ये थ्री टू वन है एंड आई एम कंफर्म ऑलवेज फॉर अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन फॉर अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन नॉन रिडॉक्स नॉट अ रेडॉक्स रिडॉक्स की बात नहीं हो रही है नॉन रिडॉक्स की बात हो रही है फॉर अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर ऑफ एन इज वन हमेशा वन होता है

Same moles, oh ho oh, oh. ho, same n factor. n factor is one. Or ho bhi chahiye. Why? Because law of equivalence says that every species should have the same equivalence, same number of equivalents. So find out the number of equivalents of H3PO4. It will be equal to one mole, one mole multiplied by three n factor. So one into three is equal to three. Now, if this species has three moles. So its n factor should must be 1 so that the multiplication of n factor and mole is equal to 3. So that is equivalents, iska bhi number of equivalents? Kitne aja 3. Aja now its mole is 1 and n factor is 3. So 1 into 3 is equal to 3. Again, come here. 3 h 20 Its mole are 3 so that its n factor must be equal to. Its n factor must be 1. सो so दैट के भाई 3 टू 1 इज इक्वल टू 3 तो सबके के इक्वैलेंट सेम होने चाहिए देखा इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलना चाहिए ठीक है ओके सो so, ये बातचीत है भाई इस तरह से हम चेक करते हैं इस तरह से n फैक्टर को समझते हैं अब आपको और प्रैक्टिस कराई जाए आर तैयार हो जाओ और अगर आपको फिर से सुनना हो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं अब अच्छे से सुनो देखो सो so, H3PO4 फिर से दिया मैंने एंड नाउ आई हैव गिवन यू KOH राइट right?

ओ भाई लाइक टारगेट थैंक यू भाई थैंक यू बट <laughs> बट टेंशन ना लिया करो लाइक्स की कभी भी लाइक्स के लिए नहीं पढ़ाते हम हम पढ़ाते हैं किसी भी एक बंदे के लिए जो कि इंस्पायर्ड है अच्छा करने के लिए बस काफी है है ना लाइक्स के लिए पढ़ाएंगे तो कभी भी जेन्युइन पढ़ाई नहीं करा पाएंगे ठीक है इसलिए कभी सोचना नहीं लाइक्स दुनिया वाले लाइक करे ना करे अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं मुझे कोई जरूरत नहीं है दुनिया वालों के तारीफ होगी मैं खुद जान रहा हूं अच्छा काम है दुनिया वाले अच्छा माने ना माने अगर पूरी दुनिया एक साइड भी खड़ी हो जाए और बोले कि भाई नहीं अच्छा काम नहीं है मैं फिर भी जान दूंगा ये अच्छा काम मुझे करना है समझ गए दिस इज माइगर्ट्स कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से जी 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 भाई दुनिया वालों को खुश करने के लिए थोड़ी ना हम जी रहे है, है कि नहीं हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और खुद को ये बताने के लिए कि भाई हमने जन्म लिया है तो इस जिंदगी में कुछ अच्छा तो करके जाएंगे कुछ इंस्पिरेशनल करके जाएंगे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे अपनी धरती के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे और भाई पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है आप लड्डू आप जीरो लाइक दो आप माइनस माइनस वन कर दो माइनस हंड्रेड कर दो मैं वैसे ही खड़ा रहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझको ठीक है आप कमेंट्स में गालियां लिख के चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा आंसर कोई दे रहा है ना मैं आंसर देखूंगा मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा <laughs> कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के लोग आ जाए गालियां लिखने लगे चाइना के लोग आ जाए गालियां लिखने लगे भाई कोई भी आ जाए मुझे क्या ही फर्क पड़ता है दुनिया ऐसी की तैसी मेरा क्या तुम कर लोगे तुम मैं वैसे ही मुस्कुरा के पढ़ाऊंगा कुछ नहीं होता है ना चलो सो so, H3PO4 एंड KOH मजबूत मजबूत एकदम भाई फेवी कॉल से भी मजबूत है हम ओके <laughs> सो okay, so, H3PO4 एंड KOH तालियां वाले मार रहे हो तुम लोग हां भाषणबाजी सुनने का बहुत मन करता तुम्हें है ना ओके <laughs> नहीं दोस्त ग्रेड इन द वर्ल्ड तो कभी हो ही नहीं सकते ना दैट्स ओके तन्मय

ट इज दर रेश इट इज टू इन टू इज टू वन होगा डन रेशियो निकाल दिया एंड यू ऑलरेडी नो दैटर तो यह भी कंफर्म हो जाएगा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई बो बट रेशियो के बाद में आपको कन्फर्म करना होता है कि होगा कितना रेशियो तो सपोज दैट द रेशियो इज टू इज टू वन

मतलब किस्मत से ऐसा हो रहा है कि कोइंसिडेंटली कि वी आर गेटिंग द वैल्यूज वैसे ही बट कि वही होगा ऐसा होता नहीं है ठीक है सर मैंने एक चीज नोटिस नहीं की आपने दाड़ियां काट दिए हैं तो वो तो ही थे वैसे मैं कुछ दिन बाद रखूंगा बिल्कुल पंजाबी स्टाइल दाढ़ी रखा था मैंने 2018-19 में बहुत अच्छी लगती थी मुझे फिर बीच में पता नहीं बहुत ज्यादा खुजली होने लगी या तो खुजली होने लगी तो फिर हटाना पड़ा तो फिर कुछ लोग पहचान नहीं रहे थे मुझको <laughs> फिर अब मैं जब वापस बेड रखूंगा तो फिर कुछ नहीं बैसा <laughs> बढ़ाऊंगा बेड थोड़ा ओके hmm, सो okay. so, आपका एग्जाम एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़े दिन के लिए सन्यास लूंगा आयु किसी वगैरह हो जाए फरवरी में थोड़े दिन के लिए सन्यास लिया जाएगा उसके बाद द तो सन्यासी टाइप से आएंगे जैसे मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे एकदम व्हाइट व्हाइट वैसे मैं भी एकदम ब्लैक ब्लैक ओके सो

अकॉर्डिंग टू रिएक्शन तीनों में से कोई भी हो सकता है और वो भी कौन से रिएक्शन में नॉन रिडॉक्स में एसिड बेस में राइट right, सुनना ध्यान से क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन ऑफ एच थ्री दिल से कमजोर लोग तुरंत में थ्री मार देंगे नो 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 दैट इज नॉट द मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट कि भाई रिएक्शन दिया है कि नहीं क्या रिएक्शन दिया है या बिना रिएक्शन के पूछा जा रहा है अभी मैं बिना रिएक्शन वाले पार्ट पे भी आने वाला हूं अगर बिना रिएक्शन के पूछा ना दोस्तों तो जितने h+ हट सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू वो आंसर हो जाएगा तो मैं पूछूंगा h3po4 का एन फैक्टर बताओ विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन तुम बोलोगे h3po4 का विदाउट रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं दिया यूं ही बताना है अरे तू तो जितने h+ है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n फैक्टर

दिन लेट सुबह भी लेट से उठते हो रात में भी सो जाते हो आधी जिंदगी सोते हुए बिता रहे हो जबकि तुमको एक तिहाई जिंदगी बितानी है तो दो टाइप के रिएक्शन होंगे दोस्तों या तो वो रेडॉक्स होगा या नॉन रेडॉक्स रेडॉक्स में कुछ भी हो जाएगा इनफैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन नॉन रेडॉक्स में भाई भाई भाई

ये तीन अलग-अलग केस पॉसिबल है सो नाउ आई एम आस्किंग के व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन जरा देखे। हैप्पी न्यू ईयर अगेन आप लोग आंसर को जरा बताओ हम्म हम्म व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन इन अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन सुनिए पूरा कोई बात नहीं तनिश हा सीपी उपाध्याय एकदम परफेक्ट वन टू थ्री वन या या थ्री तीन में से कोई एक होगा निधि नहीं कोई मोमा या नहीं आंसर इज ऐसा वन टू और थ्री डिपेंडिंग अपॉन कौन सा होगा नहीं निधि विदाउट रिएक्शन आंसर इज थ्री सारे लोग सुन लो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे विदाउट रिएक्शन आंसर होता है मैक्सिमम वैल्यू और अगर रिएक्शन दिया है तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट वेदर द रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स अब अगर नॉन रेडॉक्स है द वैल्यू में वन टू और थ्री इफ रेडॉक्स वो तो कुछ भी हो जाएगा रेडॉक्स में कुछ भी हो जाएगा नॉन रेडॉक्स में तीन में से कोई एक वैल्यू होगी अभी जो रिएक्शन दिया गया है अभी जो रिएक्शन दिया गया देखो इसमें N का टू आ रहा है है ना इससे एकदम फर्स्ट रिएक्शन दिया था उसमें, थ्री आया, था। दिया था, उसमें थ्री, आया था। थ्री आया अभी टू आया तो तीन अलग अलग, अलग फैक्टर आया ना तीन अलग अलग ही पॉसिबल है नॉन डेडॉक्स में स्त्री पीओ फोर के लिए अगर कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी दी आंसर कितने एच प्लस निकल सकते हैं तीन वो आंसर हो जाएगा रेडॉक्स में कुछ भी हो जाएगा समझ गए ना बहुत बार मैंने दो करोड़ बार रिपीट किया गाइस आई होप दैट के अब ये आपके दिमाग में चला गया ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड बढ़ते आगे अच्छा एक सेकेंड मुझे ना ये देखना था कि आई कैन ऑल्सो यूज नोट्स यस सो आई जस्ट वॉन्ट के ना थोड़ा सा इस पर एक्सपेरिमेंट करें इसमें क्या होता ना नोट्स वाले पे मैं लिखूंगा ना तो पेजेस ना चेंज हो जाते हैं सो पेजेस चेंज हो जाएंगे ना सो उससे क्या होगा कि मैं ना आगे पीछे आपको दिखा पाऊंगा जो भाई बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड पसंद है इस ब्लैक पे लिखते हैं मजा आएगा ब्लैक बोर्ड <laughs> मजा आएगा ब्लैक बोर्ड पर लिख के व्हाइट है अपने पास देखते हैं व्हाइट से लिख के कैसा लगता है है ना इसमें पेजेस आ जाते हैं ना ऐड हो जाते हैं समझ आएगा हम्म चलो देखते हैं <laughs> ब्लैक वाले में स्क्रीन दिखती रहती है ओके okay. सो so, अगर ब्लैक वाले में स्क्रीन दिख रही है बाबा तो थोड़ा सा ग्रीन ही कर ले क्या ग्रीन नहीं भी करेंगे हाँ ग्रीन करते हैं ना <laughs> ग्रीन भी ग्रे नहीं करते हैं ए ग्रीन ए हाँ मत मुझे ज्यादा ब्लैक अय्या एक कौन सा कलर आ गया जी खेल खेल रहा है मेरे साथ वे ग्रीन किया था तो क्या कर रहा था बदमाशी ब्लैक से लिखना ये हाँ चलो ओके सो so, अब क्या बता रहा था मैं तो पेजेस सही है आए? बेवकूफ कर दो <laughs> प्लीज पर्पल चाहिए स्कैन को <laughs> लास्ट में क्या भाई तुम लोग पढ़ने आए हो कलर चूज करने आए हो चाटे खाओगे तुम लोग <laughs> बहुत पेट <पीटु। laughs> तुम लोग यही मस्ती मारते रहते हो बस कलर चेंज हो रहा है <laughs> एंटरटेनमेंट ढूंढना तुम लोग का काम है ना <laughs> सही है है कि नहीं और बाकी तो देखो मेरा एंटरटेनमेंट ये इसी से होते वायर <laughs> हाँ। <की> हो। <laughs> हो। so तो है ना एकदम तो बच्चों के जैसे हरकतें करते रहता है थोड़ी देर चलेगा और उसका फिर रोना शुरू कर देगा नहीं नहीं मुझे हटना है बच्चे कैसे करते हैं थोड़ी देर साथ में चलते फिर रोने लगते हैं नहीं नहीं मैंने मुझे 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 दौड़ना है और फिर जब दौड़ लेते हैं फिर मुझे उठा लो मुझे उठा लो <laughs> ये वायर देख के मुझे ऐसे ही लगता है ये बच्चा जो साथ में मेरे क्लास में चलता रहता है okay. सो so अब फटाफट यार आप अपने काम करो तो वाह क्या खूबसूरती से लिखाया है मजा आ गया आप अपने काम करो मुझे बताओ फटाफट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने है रोमो को प्लस फाइव मिलने वाला है आपको लड्डू मिलने वाला है ओ हो 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 क्या है क्वेश्चन सी एच टू इसका रिएक्शन हो रहा है एच के साथ

चलो आ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इज टू बैलेंस करने के बाद देखा। अच्छा, राइट नाउ गाइस अपना फंडा लगाएंगे मोलर रेशियो देखते हैं देखिएगा मोलर रेशियो क्या आएगा गाइस 1:2 राइट एंड एन फैक्टर रेशियो क्या आएगा बताना एन फैक्टर रेशियो क्या आएगा 2:1 आया 2:1 ठीक है अब इसका फैक्टर इज ऑलवेज वन कंफर्म तो इसका इनफैक्टर क्या आएगा टू सो so, टू इज द करेक्ट आंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपको मिल गए आपको मिल गए प्लस वन रोमो वर्सेज आर्मी आर्मी ऑन वन अगर अगर आप गलत बताते तो मुझे प्लस फाइव हो जाता ओके सो सी एस सी एल टू का इनफैक्टर बताइए और पहला आंसर अगर गलत आया तो सीधे ही मैं कर दूंगा माइनस फाइव सी एस एल टू एन फैक्टर ऑफ सी एस टू फर्स्ट आंसर अगर रॉन्ग आएगा गाइस आपको मिल जाएंगे माइनस फाइव फर्स्ट आंसर एकदम सही आना चाहिए सोच so, समझ के आंसर देना गाइस एन फैक्टर ऑफ सी एस एल टू बच गए बच गए बच गए धोखा है क्या बच गए ना सी एस एल टू एन फैक्टर टू आएगा बिकॉज देखिए मोलर रेशियो सेम है सीएसएल टू

Let us see our first degree. So you have to find out n factor for COH hold. This is question number one. Second. You have to find out the n factor for FeCl3. Sure. Guys, what about? First question, answer. First question, answer. First question, answer. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 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 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट माइनस फाइव होंगे गलत बताया तो फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है एन फैक्टर टू फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है एन फैक्टर टू तो समझ के बताइएगा अब दो क्वेश्चन दो आंसर अभिषेक सूद का आंसर थ्री था तनिष का टू है व्हाट्सएप नंबर तनिश को चाहिए तनिश मेहनत करोगे उसके बाद व्हाट्सएप नंबर मिलेगा दोस्त मैंने गिफ्ट दिया था WhatsApp पे अभी दीप हाँ यार थैंक यू सो मच चलो बहुत answers आ गए सी दैट अगर गलत आएगा तो मुझे मिल जाएंगे प्लस फाइव आपको माइनस फाइव यहाँ सेल टू ये यहाँ ये पर टू जाएगा दिस विल बी सिक्स राइट ऐसे बैलेंस किया आपने? ये इस तरह से पहले बैले बैलेंसिंग कर लेते हैं और यहां जाएगा थ्री तो लेट अस सी दैट के हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं यहां बैलेंस है ऑक्सीजन बैलेंस है यहां बैलेंस है बाकी सब कुछ बैलेंस है बैलेंस है ओके सो यार अब मोलर रेशियो चेक करते हैं यहां पर व्हाट इज द मोलर रेशियो 1:6 व्हाट विल बी द एन फैक्टर रेशियो 6:1 6:1 एंड व्हाट इज एन फैक्टर फॉर केएच ऑलवेज 1 यार 1 हो गया तो सही बात है इसका फैक्टर सिक्स आएगा सी ए थ्री पी ओ फोर ओल टू का और अगर इसका फैक्टर सिक्स है सो इसके आप सोचिए तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा एन फैक्टर सिक्स मोल वन सिक्स इंटू वन इक्वेलेंट सिक्स है इसके इक्वेलेंट भी सिक्स ही होंगे इसीलिए तो मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इक्वेलेंट सिक्स है अब इसके भी इक्वेलेंट कितने आने चाहिए सिक्स बट इसके मोल्स कितने हैं थ्री सो इसके एन फैक्टर कितने होने चाहिए ऑब्वियसली एन फैक्टर होना चाहिए टू सो एन फैक्टर विल बी टू

टू टू हाथ बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए भी आपको एक पॉइंट मिल चुका है सो आर्मी इज ऑन पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स टू फॉर आर्मी मैं फंसाऊंगा बस है ना हाँ और मेटिक्यूज में अभी फिर से मैं अपने मार्क्स बढ़वा लूंगा देखना ओके <laughs> सो okay, so क्या आ रहा है पहले जिया की तरफ से आंसर सिक्स वन है के तरफ से थ्री है नफिस तरफ से टू है वेरिएबल आ रहे थ्री इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर सो थ्री इज लॉक्ड थ्री इज लॉक्ड थ्री इज लॉक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस वी विल बैलेंस लाइक दिस ये बैलेंस कर दिया यहां पर थ्री लगा दिया ओके okay? देखिए इसका इन फैक्टर तो हमेशा क्या आना है

टोटल पॉइंट कितने हो गए आपके टोटल पॉइंट आपके हो गए थ्री है ना सो okay. so, अब एक बार देख लेते हैं कि ओके लेट अस सी आई थिंक हो जाएगा ना हाँ बट उससे पहले एक काम करते हैं एक और बात सीखते हैं हम क्या सीखेंगे ये सीखते हैं देखिए फॉर्मूले याद आ रहे हैं है ना क्योंकि अब हम चुके जा रहे हैं मेंटी करके टाइट्रेशन वगैरह का फॉर्मेट देख करके मतलब उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह देख करके सबसे सॉलिड क्वेश्चन आई टाइप के देख के के सब चीजों को फिनिश करेंगे फॉर्म में एक बार करा गा नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम राइट right? ये ये फॉर्मूला है नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ओके अब इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वेट व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर राइट ये एन फैक्टर हो जाता है एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम इट इज मोलर वॉल्यूम 22.4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ये सब बातें कल हुई थी ठीक है अगर ये बातें कल हुई थी तो अब क्या बातें करनी है इन पर डिस्कशन करना है क्या डिस्कशन है फाइंड नॉर्मैलिटी ऑफिस सॉल्यूशन। अब यहां पर कोई नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना देखिए तो, फर्स्ट सॉल्यूशन है क्या सॉल्यूशन है एस थ्री फोर

है दिया है वॉल्यूम दिया थर्ड वाले में अब चलो फर्स्ट सॉल्व करते देखना ध्यान से फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं एच थ्री पीओ फोर के नाइन पॉइंट एट ग्राम दिए गए हंड्रेड एम एल दिया गया यू हैव टू फाइंड आउट नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर

विदाउट रिएक्शन क्या होगा का अभी तो डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम पॉइंट वन लीटरिटी इज कमिंग आउट टू बी थ्री आ गया आंसर इसका रिपीट करना है क्या? चलो रिपीट करते हैं, देखते हैं। रिपीट कर देते हैं, है ना? और ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखते हैं तो दोबारा भी दे दूंगा बट पहले आपको चीजें समझ में गाइस देखो फाइनली इसके टाइट्रेशन में ये सब चीजें यूज होने वाली इसीलिए आपको क्या सिखाया एस थ्री पीओ फोर जहां पर एस थ्री पीओ फोर का जो वेट दिया गया है वो नाइन पॉइंट एट ग्राम दिया गया है और इससे नॉर्मेलिटी पूछी गई है और वॉल्यूम दिया गया हंड्रेड एम एल सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया मोल निकाला

In so, कितना है? है three, by कितना है? नहीं होता ईजी होता है यार बिल्कुल ईजी होता है चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन का आप निकाल रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एस टू एस ओ फोर एस टू एसओ फोर के लिए नाइन पॉइंट एट ग्राम है वेट दिया हुआ आपको सोल्यूशन में और वॉल्यूम दे दिया सोल्यूशन का अस हंड्रेड एम एल इसकी नॉर्मैलिटी क्या आएगी सेकेंड वाले के लिए इस वाले के लिए इसके लिए बताइए क्या आ जाएगा देखिए क्या आएगा इसके लिए हुँ. देखो देखो फोर क्या, <laughs> क्या होता है सौ बड़ा क्या होता है कैलकुलेशन करके बताया जाए आइए देखिए मोल्स निकालिए यहाँ पर पहले तो मोल्स निकालेंगे तो पॉइंट वन यहाँ भी मोल्स आ जाएंगे और इक्सुअलट निकालिए वो एन फैक्टर है ट्री फोर का विदाउट रिएक्शन एन फैक्टर कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं यहां से दो सो टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट वन ये पॉइंट टू हो जाएगा ठीक है अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से टू बाई फाइव आंसर इज पॉइंट फोर पॉइंट फोर नहीं आदिति आदिति आदित्य 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 ना डन बहुत 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 इजी था बहुत इजी था लेट मी लेट मी आस्क यू दैट के आप बना दोगे ना चलो एक क्वेश्चन लास्ट दे करके हम मिंटी पर चलते हैं में पे चलते हैं ठीक है सो भाई क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम एच सी एल इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन एंड फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम एन एस सी एल इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टू हंड्रेड एम एल ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नॉर्मैलिटी देखिए किसकी किसकी नॉर्मैलिटी पता लगानी है नॉर्मैलिटी ऑफ एच सी एल भी बतानी है देन ऑफ एन एच सी एल भी बतानी है एंड देन क्लोराइड आयन की भी बतानी है अब फंसाया मैंने आपको <laughs> है ना हम्म hmm. ओके चलिए सो HCl की नॉर्मेलिटी आप बताएंगे तो HCl की नॉर्मेलिटी कैसे बताएंगे चलिए कीजिए योर फर्स्ट क्वेश्चन इज HCl की नॉर्मेलिटी HCl की नॉर्मेलिटी HCl की नॉर्मेलिटी HCl की नॉर्मेलिटी बिल्कुल लास्ट लास्ट जो आपका जो सेक्शन था जिसमें कि हम कर रहे थे काम बिल्कुल ना, उसी के उसी के अकॉर्डिंगली करते जाना है उसी के हिसाब से है ना ये सब तो फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस किए थे नॉर्मैलिटी ऑफ एसीएल नहीं आयू क्यूसी केमिस्ट्री है ना कभी नहीं होता केमिस्ट्री का अलग पेपर होता है फिजिक्स का अलग पेपर होता है दैट इज आयू एच सी एल के लिए क्या आ रहा है आंसर किसी ने बताया टाइम तो दे ही रहा हूं जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव आ जाओ एच सी एल की नॉर्मेलिटी देखते हैं एच सी एल की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए

11th 12th सिंह, बिल्कुल करना पड़ता है दोस्त। उसके जगह पे आप करो ना अगर नहीं है तो आपके में थी। so, guys, चलो, फटाफट। अब क्या कर रहे? हम यहाँ पर जरा सा ब्रेक लेते हैं और मेंटी स्टार्ट करते हैं ठीक है दो मिनट हम पहले तो ब्रेक लें क्योंकि वी आर आई थिंक गोइंग फॉर 75 मिनट्स सो गाइस ब्रेक ले लो ओके okay. और मैं बना दूँ, मैं अपने आप को बना दूँ थोड़ा मैं अपने आप को कैसे बनाऊँ है ना ऐसे बनाता हूँ मैं अपना को, ऐसे खूबसूरत निगाहें मेरी है ना चलो मैं देख रहा हूँ आर एम थ्री हंड्रेड नहीं 420 सेकंड में आते हैं ठीक है फिर मेंटी करते हैं सो so, मेंटी हमारा इन्हीं सब बातों पे बेस्ड होगा चाय पी लो गए ओके भाई किलर <laughs> स्माइल है ना निधि <laughs> भाई मैं हूं याद है मेरी स्माइल ऐसी फेमस है दोस्तों चलो <laughs> <खिला> भाई <laughs> मारी मैंने आज चलो ब्रेक ले लो फिर जब मैं आऊंगा तब ब्रेक मत लेना हाँ हाँ बस यही करते लोग तुम लोग सारी जिंदगी सर मुझे पहचाना सर मुझे पहचाना पहचान पहचान के मैं अपनी पहचान भूल गया ক্ে <laughs> हाँ ये नहीं है आप जीतेंगे नहीं हाँ जीतेंगे

ファンの方がいいですね。 フフフフ。<laughs> <laughs>

例えば、このよううな状況ではな

Mm hmm うはい。<has any noise> <sighs> oh कमा स्टार्ट हम्म क्या चल रहा है ये yeah. क्या चल रहा है सीरियसली भाई कौन सीरियस हो गया हम्म hmm. oh, चलो जल्दी फटाफट मेंटी ज्वाइन करो कोर्ट सामने है। फॉक्स चल रहा है देख रहा हूँ मैं बहुत मजे हो रहे तुम लोगों के बहुत मजे हो रहे तुम लोगों के देख रहा हूँ मैं कौन सा बॉडी बिल्डर देख लिया भाई <coughs> रैबिट बढ़िया बढ़िया हम्म सो so, कौन कह रहा है आई एम दैट क्रो बढ़िया है कम लोग जब रहते हैं तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है ना ओ हो 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 कौन क्रोकोडाइल है आई एम अम्ब्रेला बहुत सही सो शुरू करें ये वैसे मुझे देखना होगा हम्म ओए चलो ना कोई भी हो लेट अस सी शुरू कर रहे हो गए लेट अस स्टार्ट और रेडी टू गो रेडी टू गो खाने की आवाज़ आए तो ध्यान मत बटाना हो 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 क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन लोगों ने जो है ना सबसे कम जनता ने मतलब 50 परसेंट जनता भी सही नहीं कर पाई है आपके पॉइंट्स हो चुके थे फोर फोर में से कम हो गया फाइव आप माइनस वन में पहुंच गए आर्मी इज ऑन माइनस वन अब माइनस वन बहुत बुरा लगता है तो आर्मी इज ऑन जीरो भाई क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ सबसे पहले तो आपने बहुत आपने देखे क्या किया दिल तोड़ दिया मेरा ये जो मेरा दिल था ना प्यारा सा इसको आपने ना ऐसे तोड़ दिया साई थ्री माइनस आई टू के लिए एन फैक्टर है दोस्तों और आप ना फॉर्मुले भी नहीं लगा रहे हो फॉर्मूला है एक्स मॉडलर्स ऑफ सी माइनस एफ एक्स इज थ्री सी इज माइनस वन बाई थ्री एंड एफ इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट

चलिए अब क्या कहिएगा लीडर बोर्ड ओके ये कौन है <laughs> मानस तो ब्लॉक माय फोर आईडी इज बैड <laughs> भाई दर्द दिखा दिया भाई ने अपने नाम में इतना लंबा नाम लिखने देते हैं क्या अच्छी बात ओके रिबिट भी है कोई एंड आदित्य गलती कर दी क्या <laughs> Guys, ऐसा ना करो यार लड्डू नहीं दिखना चाहिए लीडर बोर्ड पे अच्छा नहीं लगता यार ओहो, रिएक्शन दिख रहा है मैं बता दूं रिएक्शन क्या देखिएगा टाइमिंग इसीलिए इस क्वेश्चन में, इस में ज्यादा है मैं मैं रिएक्शन क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्टूडेंट शायद ना देख पाए तो देखिए ये रिएक्शन है सी आर टू सेवन टू माइनस से ये जा रहा है सीआर प्लस थ्री में एंड एम एन ओ फोर माइनस से ये जा रहा है एम एन प्लस टू में इन दोनों के लिए हमने काम किया हुआ है अभी भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा हो 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 हो, फिर से फिफ्टी परसेंट से कम क्या कर रहे हो आप लोग देखो क्या गड़बड़ किया आपने Cr2, टू टू और सेवन टू माइनस इससे ये जा रहा है सीआर प्लस थ्री में आप इसका एन फैक्टर निकालोगे, फैक्टर आएगा टू मॉडल ऑफ या नंबर निकालो प्लस सिक्स Six minus, देखो ये क्या है थ्री सिक्स एम एन ओ फोर माइनस टू इसका एन फैक्टर निकालिए एक्स क्या है वन मॉडल माइनस टू दैट इज फाइव सो इसने कहा था कि ऑक्सीडेश जो भी एन फैक्टर आ रहा है उसे एक्स एंड वाई मान लीजिए ठीक है so तो आप किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान लीजिए क्रोमियम के क्रोमियम का जो चेंज है उसको एक्स मान लीजिए और जो चेंज आया है मैग्नीस के लिए इनफेक्टर है उसको वाई मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई निकालिए आंसर क्या आएगा वन है ना और हलवा क्वेश्चन तो मत सोचो बिका उसके आयु क्यू जैसे अभी भी मैंने अभी तक अभी भी आई लेवल तो हमने टच नहीं किया चलो मेंटी वेबसाइट बहुत हैंग होती है ओके चलो बट गाइस अटेम्प्ट बहुत अच्छा चल रहा है थैंक यू सो मच कि आप अटेम्प्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हो और बेटर करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू भाई चलो यार आ जाओ सो इज द लीडर बोर्ड चलो कुछ नए लोग भी आए हैं और ऊपर गए लोग ओके okay. मानस वेदांत तो ब्लॉक माई फोर आइड इज बैड मानस तो ऊपर ही दिख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हुआ ड्रैगन आइड इज फास्टेस्ट फ्लेक्स आर्यन ये फ्लेक्स आर्यन कौन होता है इस फ्लेक्स आर्यन इक्वेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इन रिएक्शन विद एचसीएल इज मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद एचसीएल Magnesium is reacting with HCl. <laughs> कहा गए सर जैसे आप गायब हो जाते हो आपके भी कुछ आते नहीं तो मैंने सोचा इस बार मैं आपको तंग करता हूं मैं भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूं चलो किसी ने तो मुझे ढूंढा थैंक यू सो मच निधि भाई ट्वेल्व <laughs> कैसे आएगा फटाफट बताया जाए क्या मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम इस तरह से रिएक्ट करने वाला देखिए कैसे रिएक्ट करेगा किस तरह से रिएक्ट करेगा एच सी प्लस में हो रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस टू सो एन फैक्टर कितना इसका 2 आएगा इसका टू आएगा सो आप अगर इसका इक्वेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका जो एटमिक मास है 24, 2 से, तो आंसर ट्वेल्व आ जाएगा You got me? Yes, you got me. Okay. चलिए समझ गए ना नहीं समझे गाइस क्या कर रहे हो थोड़ा तो थो रिप्लाई करो ओ गाइस कम ऑन का एनर्जी यार मानस वेदांत तो ब्लॉक माय फोर आईडीज बैड इज ऑन द टॉप सच नाउ ऑन द सेकंड पोजीशन ओ हो हो पॉटर भाई भी आ गया ओ oh, भाई मजा आ गया सो योर सुपर बदमाश निधि गुप्ता भाई आफरीन इज ऑल्सो देर मानस सेकंड पर आ गया अनन्य ऊपर आ गया भाई चलिए कुछ तो चेंजेस भाई कुछ आग्र श्रीवास्तव फास्टेस्ट थे बट लम्झे क्लियर सर अच्छा ओके मैं समझ गया नाइन्थ पर तो कोई और है मुझे नाइन्थ पे दिखा रहा है <laughs> अच्छा कोई और ही है चलो यार कोई नहीं कोई और ही कहा है आप ही तो दिखा रहे हो आप ही तो करोगे बनवासी आप ही की तो आप ही का तो नाम <laughs> ओके आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स क्या क्वेश्चन है इस बार व्हेन क्लोरीन गैस फॉर्म्स अनायन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स कटायन देन देयर एन फैक्टर इज हाइड्रोजन गैस से कटायन बना दो क्लोरीन गैस से अनायन बना दो और दोनों केस में चेक करोगे क्या एन फैक्टर आएगा छोटू सा टाइम है टाइम की वजह से टफ हो गया क्वेश्चन ओ हो आर्मी आर्मी के मार्क्स गिर गए लास्ट क्वेश्चन में मार्क्स ले लिए थे इस क्वेश्चन में मार्क्स फिर गिर गए आर्मी तो मैंने आपके ना चलो यार मैंने फोर तो माइनस नहीं किया बट माइनस थ्री कर दिया हम्म बहुत स्ट्रिक्टली ना मुझे ना आर्मी के ना मार्क्स जो है वो हाँ टाइम 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 यस 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 टाइम फैक्टर से क्वेश्चन को टफ कर दिया सोचने का कम मौका दिया आपको देखिए इसको बनाइएगा कैसे इसे बनाएंगे इस तरह से गाइस एच टू गैस गेट्स कन्वर्टेड इन टू एच प्लस देखिए कैसे निकालेंगे ऑफ़ टू सी क्या है जीरो और एफ क्या है प्लस वन सो जीरो माइनस वन कमिंग आउट टू बी टू एन फैक्टर टू आ गया टू वाले कितने ऑप्शन थे टू फर्स्ट में पहला और तीसरा इन दोनों में से कोई एक होना है Cl2 का क्या तरीका है चेंज होने का सी एल टू गैस गेट कन्वर्टेड इन टू टू सी एल माइनस है ना जीरो से माइनस वन फिर f एक्स की वैल्यू टू है वैल्यू जीरो लडू माइनस माइनस वन कमिंग आउट टू बी टू आंसर इज टू टू ओके आर यू गेटिंग पॉइंट

ओके लॉर्ड बॉय भी आ गए हैं ओ भाई मजा आ गया मुझे तो देख करके लॉर्ड बॉय भी आ गए हैं ऑसम द गिवन रिएक्शन फैक्टर थ्री सो लेट अस गया आंसर ओ भाई सही है सही है सही है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर ही आंसर आएगा बनाया क्वेश्चन है क्लास में है ना सो so, आप मत बोलोगे सर बना दो प्लीज ऐसे मत बोलो प्लीज बहुत बार हमने क्लास में किया है इस पर क्या सो द लीडर बोर्ड इज अनन्या इज शायद अनन्या ही हाउ एवर अदिति वॉज फास्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट बट अन्य इज फाइनली 25:41 points. थर्ड वन वन स्मिथ बाफना हैरी पॉटर फोर्थ अभिषेक कुशाग्र मानस जो सुपर बदमाश ने दी सचि गुप्ता फिल्म ओके ये था गाइस चलो बहुत अच्छा बढ़िया अब इसके बाद जो उसके बाद वो लास्ट में क्विज़ जाते जाते हम करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन का होगा लेट्स मूव ऑन आई एम इलेवेंथ कोई बात नहीं बढ़िया भाई बात है वो है ना? चलो चलते हैं एग्जिट करते हैं एंड वी आर मूविंग बैक वेयर सो हेयर चलो चलते हैं आपसे बहुत सारी बातें की है ना मोल so, एंड चलते, चलते हैं क्या क्या चीजें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम किया देखते जाना आप ठीक है मैं दिखा रहा हूं आपको यही पी डीएफ्स मिलेंगी फाइल नोट्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिटेल है ना फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सीपी उपाध्याय अच्छा अनन्या ओके, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई आर जस्ट नो ग्रेट मोमेंट ओह कांग्रेचुलेन भाई कांग्रेचुलेन अन्य तीर्थ अंकर खुगर सर वाई आर यू टीचिंग एट लेट नाइट नो वन विल वॉच इट क्या ही फर्क पड़ता है नो वन शुड वॉच इट मत देखो आई डोंट केयर लोग बोलेंगे क्या पागल टीचर है ना किसी को दिखाना नहीं तो वाई आर यू टीचिंग अगर किसी को दिखाना नहीं है तो दोस्त ये रिकॉर्डिंग है सिर्फ कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स की है ना इट डजेंट मैटर कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है so, सो मैं वैसे भी आई आई शुड हैव रिकॉर्डेड माई लेक्चर एंड शुड हैव जस्ट गिवन द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन द चैनल बट दिस इज मोर इंटरेक्टिव है चलो लाइव ही चले जाते हैं ना मुझे वैसे भी रिकॉर्ड करना था सो दैट इस ये ज्यादा आपको सिखा पाएंगे लेट uh, नाइट पढ़ने में ही तो मजा आता है यू आर द बेस्ट भाई टॉप तो आपकी और मिठाई ये मक्खन मारने का बहुत अच्छा तरीका है अनन्या ऑन मॉर्निंग प्लीज डू दिस तीर्थांकर यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो फॉर द कॉन्सेप्ट एंड फॉर द क्वेश्चन ओ हो अनन्या थैंक्स बट यार एक्चुअली मेहनत आपकी है आई एम जस्ट अ गाइडिंग लाइट ओके सो गाइस देखो क्या क्या बातें थी मैं फटाफट यहाँ पर नोट्स में दिखा रहा हूँ दिस इज द नोट्स दैट के यू आर गोइंग टू गेट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बातचीत हो रही है है ना अलग अलग स्लाइड में ये एसिड बेस रिएक्शन चल रहे हैं देख रहे हो ना अब फोकस करना भाई यहाँ पर अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है है ना अब ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहां पर बताया जा रहा है मतलब ये बहुत ज्यादा बच्चों के तरह से एकदम तोड़ तोड कर ब्रेक ब्रेक करके बताया गया बट तो फिर तो फिर अभी क्या है चीजें आप जो जानते हैं उसका यूज करते हुए हम थोड़ा कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं ओके okay. सो so, ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर समझाया जा रहा था ठीक है कि वन मोल एच प्लस आएगा वन मोल एच माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा ओके okay, अब इक्वेलेंट वेट कैलकुलेशन तो इक्वेलेंट वेट कैलकुलेशन सी मैंने क्या बताया वो आपको तीन तरह के कैलकुलेशन होता टेल मी देर आर थ्री देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वाई एम आई लुकिंग एज ब्लड यार और ये यार मैं ये मैं बहुत कोयला लग रहा हूँ मैं तो एकदम पूरा कोयला लग रहा हूँ कोयला क्यों लग रहा हूँ चलो कोई ब्लैक लाइफ मैटर ध्यान रखना है कि देर आर थ्री वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्वल एंड वेट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इक्वल एंड वेट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन द अदर वन इज फॉर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन एंड थर्ड वन इज विदउट रिएक्शन ओके सो विदाउट रिएक्शन आप Without reaction? Without reaction क्या बोलोगे विदाउट रिएक्शन आई एम मानस सर वेदांतों ने पांचवी आई डी भी ब्लॉक कर दी भाई दोस्त ऐसा तो दो नहीं होगा कि कोई जो है आपसे जो है दुश्मनी मिला <गँगे> ऐसा क्यों होगा मुझे नहीं पता है दोस्त सॉरी 98 ग्राम ऑफ H2SO4 तो भाई H2SO4 का एन फैक्टर 98 ग्राम पर थोड़े ना डिपेंड करता है H2SO4 के स्ट्रक्चर पर डिपेंड तो दो, दो मोल H+, देगा, C, दो H देगा तो उसका फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया क्योंकि दो दे सकता reaction, reaction, no involved, कोई नहीं है कोई रिएक्शन नहीं है ठीक है तो ऐसे ही चलेगा 98/2 इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा 98/2 बाई हो जाएगा ओके सो इक्वल वेट आ गया 49 ग्राम अब एनएएच है एनएएच oh, का एन फैक्टर क्या आएगा वन विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन इक्वल एंड वेट 40 बाय वन इक्वेलेंट ऑफ एन एसिड न्यूट्रलाइजिंग वन इक्वेलेंट ऑफ अ बेस वन इक्वेलेंट एसिड का वन इक्वेलेंट ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करेगा अच्छा कोई ये लाइन लिख रहा है लिखा गया है वन इक्वेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेज वन इक्वेलेंट ऑफ अ बेस तो हमें पता है

देसी गमेलिया में आपके हैंड रिटन नोट्स ही अच्छे लगे बट <laughs> दोस्त हैंड रिटन नोट्स भी अभी तो आपको प्रिंटेड मिल रहे हैं बट आगे ना अह ऐसा करते हैं अपने ना टॉप रैंकर्स जो है ना उनके भी नोट्स जो है कुछ जो सेव करके रखे हैं जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पर्सनली मैं देता हूं हर साल इवन के फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 के भी हैंड रिटन नोट्स देता हूं पर्सनली के लो और इंस्पायर हो जाओ सो so, कोई अच्छा परफॉर्मर रहता है बैच में तो उसे तो जरूर देते हैं है ना मतलब कि प्रीवियस ईयरस के जो भी अच्छे टॉपर्स हैं उनके जो भी पड़े हुए हैंड हैं रिटन नोट्स आप उनको अपने पास रख करके इंस्पायर होते हो कि जब आप अपने अच्छे रैंक बनाओगे सो आपका भी नोट्स कोई देख करके इंस्पायर होगा है ना सो भाई हैंड रिटन नोट्स की तो खैर कोई अलग ही बात होती है एकदम ही फील आती है उनसे जैसे कि क्लासरूम में पढ़ रहे ओके

बैलेंसिंग हमें पता है कि यहां पर टू लगाना पड़ेगा ओके okay, सो so 120 ग्राम NaOH तो इसके गिवन मोल कितने हैं 120 ग्राम दैट मींस कि 120 डिवाइडेड बाय 40 दैट मींस थ्री मोल्स तो इसके थ्री मोल्स दिए हुए हमें पता है इसके टू मोल्स के लिए ऑलरेडी ये कितना चाहिए होता है वन, है ना सो so थ्री के लिए कितना चाहिए होगा H2SO4 3/2 चाहिए होगा ना नहीं सही वैल्यू नहीं है एकदम परफेक्ट वैल्यू है दो मोल के लिए वन मोल फॉर टू मोल्स मोल के कितने H2SO4, H2SO4 है ना? So आंसर हो गए अगर वेट में आंसर निकालना होगा तो थ्री बाय टू मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी एट इसल्टीप्लाइड बाई फोर्टी नाइन थिंक दिस कैलकुलेशन बहुत फास्ट है के पे सो कर लेंगे. मुझे पता है आप यहाँ पे कर लेंगे कौन सा? ये तो वाला पार्ट आ गया ये तो आप कर लीजिएगा है ना अब देखिए इसको मैंने अभी जो सॉल्विंग की थी वो मोल के थ्रू अब यहां पर ना इक्वेल्ट के थ्रू अफ इफ आई एम आस्किंग यू दैट के यार सर मैंने पहले मोल के हिसाब से किया रिएक्शन बैलेंस करके किया बट रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए कर सकते हैं क्या तो इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है बिना बैलेंसिंग के अगर आप काम करना चाहते हैं आप बस ये बोलो अब यहां पर देखो दिस ये रिएक्शन तो था एसिड बेस एंड द बैलेंसिंग ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज इजी तो बहुत इजी था तो एसिड बेस रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस करके ही काम कर लो बट बहुत सारे रिएक्शन हमसे बैलेंस ही नहीं होते हैं तो वहां पर इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट का बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा फायदा होता है कैसा फायदा होगा भाई तो H2SO4 NaOH ये रिएक्ट कर रहा है मुझे नहीं पता कि क्या कैसे बैलेंसिंग होती है आई विल जस्ट से दैट के इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH राइट right? अब इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH मैं किस टर्म में निकालूं डेटा जिस टर्म में दिया हुआ उसी टर्म में सो वेट ऑफ NaOH पुट करो ना डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH पुट करो बिकॉज़ यू नो दैट के वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इक्वेलेंट इज वेट डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट वेट सो इक्वेलेंट ऑफ एन आप निकालोगे कितना आ जाएगा 120 ट्वेंटी डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट वेट कितना होता है 40. सो द इक्वेलेंट ऑफ एन एच इज कमिंग आउट टू बी थ्री नाउ इक्वेलेंट ऑफ एन एच टू कितना होगा वेट डिवाइडेड बाई इसका इक्वेलेंट वेट है ना वेट नहीं बताया है बट इक्वेलेंट वेट तो एस टू एस फोर का हमें पता होता है कैसे पता होता है इसका n फैक्टर टू होता है सो so, W डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 98 एट डिवाइडेड बाई टू जो इसका n फैक्टर है दैट मीन W बाई 49

तो so, कौन ज्यादा फायदेमंद है ऑब्बियसली एक ऐसा मेथड जिसको बैलेंस्ड रिएक्शन की जरूरत नहीं है वो हमेशा काम आएगा और अगर हमने आदत लगा ली बैलेंस रिएक्शन से ही काम करने की तो हम फंसने वाले हैं बैलेंसड रिएक्शन हम आती बैंड बजाएगा अब मैं दस सेकेंड लूंगा पानी पीऊँगा मैंने गर्म पानी रखा हुआ है ना सुबह नौ बजे से बैंड बज गई भाई <laughs> क्लास लेने के चक्कर है। बस अगर गला मेरा साथ दे दे सो भाई मैं तो एक दिन करने वाला हूं एकदम एकदम कंटिन्यूस पढ़ाएंगे ट्वेंटी फोर आवर्स अभी तक रिकॉर्ड है सिक्सटीन पॉइंट फाइव आवर्स का सिक्सटीन पॉइंट फाइव आवर्स में पढ़ा चुका हूँ कंटिन्यूस बंसल क्लासेस छोटा बट ए ही इज टीचिंग ओनली फॉर ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स अच्छा प्रभनूर सर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर वीवी और भाई पार्टी भाई पार्टी पार्टी भाई पार्टी, 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 पार्टी सच्ची क्या मैसेज की जो प्रभनूर प्रभनूर कौर भाई मजा आ जाएगा आठ घंटे सोने के <laughs> देशी क्या मैं आठ घंटे सोने के देशी मोबाइल एडिक्शन को कैसे काम करें मैं स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहा हूं उस पर टेंशन नहीं नो थिंक ऑफ दोज स्टूडेंट्स विल सी इट रिकॉर्डेड क्या ही फर्क पड़ता है तुम लोग बड़े बच्चे हो यार कैसे भूंदू बच्चे हो अच्छा आप यहाँ पर आए हो ये देखने के लिए आते हो कि कितने लोग देखते हैं यहाँ पर अच्छा सपोज दैट एक बात बताओ एक ऐसा भी दिन आने वाला है है ना कुछ साल में ऐसा भी तो टाइम आएगा कुछ साल में ऐसा भी तो टाइम आएगा ऐसा भी तो टाइम आएगा कि यहाँ पर ना बैठ के 500 सौ स्टूडेंट्स देखेंगे अभी कम लोग जानते हैं लेस लेसर स्टूडेंट्स आर नाउ अवेयर अबाउट ओलंपियाड एग्जाम बट होंगे अवेयर पाँच सौ देखते हजार देखते तुम क्या कर लोगे उसे पच्चीस है क्या कर रहे हो हजार हो जाएंगे क्या ही कर लोगे क्या ही फर्क पड़ता है एक रहा ही है सर फेक रहे मैं फेंक रहा हूं भाई क्या बोल रहा तू हा <laughs> क्या ही बात कर रहे हो आई रिस्टार्ट माय माई फोन आई एवरीथिंग इज फाइन ओ हो भाई मैं मानस हूँ सर अच्छा 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 सर यू आर टू हैंडसम भाई कौन सा एंगल से हैंडसम लग गया मैं तुझे <laughs> हूं तो मैं टीचर ही <laughs> हाँ क्या ही हो जाएगा अपने के हैंडसम होने से बताओ <laughs> टीचर के हैंडसम होने से क्या ही हो जाता है टीचर के हैंडसम होना तो तभी होता है जबकि वो थोड़ा ढंग का कुछ पढ़ा पाए है ना सर योर हेड इज अ नेस्ट सर आपका भेजा जो है वो घोंसला है <laughs> भाई इनडायरेक्टली ले ली भाई ना चल भाई कोई बात नहीं सो बैक अगेन सो यहां पर क्या कर रहे थे हम हम वेट 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 ऑफ़ 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 के के लिए लिख लिख रहे रहे थे के बाद हम क्या थे एंड बाद क्या है ना सो so, तो कोई रिएक्शन नहीं होता कोई रिएक्शन नहीं होता एस टूसो फोर का फोर्टी so, 49 है और ये बराबर हो जाएगा 3 के सो so, W बाई फोर्टी नाइन विल बीवल टू थ्री और इस तरह से वी विल लिव बस निकाल दीजिए W आ गया 49 नाइन मल्टीप्लाइड बाई थ्री है ना इससे बातें समझ में आ जाती है चलो सो so, भाई अब इसके आगे क्या बातें हैं के आगे क्या बात है ये अपना वही तरीका अपना रहे इक्वेलेंट वाला मेथड से सॉल्विंग की कोशिश कर रहे हैं इक्वेलेंट वाले मेथड से सॉल्विंग की कोशिश कर रहे हैं यही पार्ट आपको नोट्स के रूप में मिलेगा और आप इसको इसी तरह से पढ़ सकते हो अब हमने जितना भी बैलेंसी फैक्टर इन फैक्टर वगैरह पढ़ा दोस्तों वो पूरे नोट्स में आपको ना दिखेगा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से बट हमने ऑब्वियसली क्लास में कम टाइम में ज्यादा तेजी से काम किया है आप ये आप ये देख रहे हो ना नोट्स बहुत ब्रेक कर करके मतलब ये दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी कि कोई स्टूडेंट अगर बिना टीचर के पढ़ रहा है तो ये अल्टीमेट लेवल है भाई नोट्स को इतना ब्रेक करके -ke बताया भाई मानते हो ना बोलो अरे बोलो ना अब बॉन्ड एंगल से हैंड्स <laughs> भाई तोड़ फोड़ मचा दी दोस्तों ने थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखिए अभिषेक भैया की स्लो क्लैप्स फॉर यू ओए भाई अभिषेक भैया की स्लो क्लैप्स फॉर यू अभिषेक भैया है कहा हम्म भाई वो ये सारा का सारा टाइट्रेशन नहीं है। <laughs> नहीं ही है बट अभी शक्ल नहीं दिखाई टाइट्रेशन की है ना तो सबको ये लगता है कि भाई टाइट्रेशन हुआ नहीं है। नहीं है बट कोई आप बच्चे हो सब चल रहा है सब इसी के कॉन्सेप्ट टाइटरेप्टेलेंट रिलेटेड और फॉर्मुला रिलेटेड सब इंडली वही पढ़ा है बट मैं नोट्स के थ्रू वही दिखाने वाला हूँ देखो क्या क्या चीजें चलने वाली सो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इक्वेलेंट ये सब चल रहा है देखो नंबर ऑफ के सारे फॉर्मुले चल रहे हैं ये सारे फॉर्मुले गए जो हमने पढ़े है ना और भी ज्यादा डिटेल फॉर्म में और भी ज्यादा डिटेल फॉर्म में फिर यहां पर देखना ये जो टेबल है ये जो टेबल है दो तीन नोट्स हैं जो आपको जाने वाले मैं सारे के सारे एक साथ आपको दिखाया जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट वाला है टाइट्रेशन वाले भी नोट्स है शायद आपको आपको नोट्स गए हैं उसमें टाइट्रेशन जा चुका है क्या ऑलरेडी अच्छा कुमार अभिषेक सर इज माई अभिषेक भैया हाँ <laughs> देखो ना अभिषेक सर तो इतने बिजी चल रहे कि मैंने कहा था उन्हें चलो न्यू कुछ करते हैं इतने बिजी चल रहे हो 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 चलो क्या ही बोलूं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ <laughs> okay. so, ये जो टेबल है इस टेबल में दिखाया जा रहा है कि विदाउट रिएक्शन किस तरह से इक्वालेंट तो, वेट आप लिखेंगे तो अब तक आप सीख चुके हैं विदाउट रिएक्शन एस टू फोर का इक्वालेंट वेट फोर्टी नाइन आएगा क्यों आएगा नाइनटी एट बाई टू करना है Without reaction, HCl ka, uh, ka क्यों? है? है ना एस सी एल का आएगा फैक्टर क्या है One. अच्छा यहां देख कर के बताना मुझे H2CO3 का फैक्टर कितना आ रहा है और ये थर्टी वन कैसे आया H2CO3 टू थ्री दो एच प्लस रिलीज करेगा सो इट्स एन फैक्टर है ना दो so, जो सबसे इंटरेस्टिंग स्पेसिज है वो फॉस्फोरस वाले वो सबसे ज्यादा धोखा देते ये हमें पता है, कि H3PO4 ये 3H कर सकता है बट पता है क्या इसी के नीचे जो दूसरा एसिड आता है एस थ्री पीओ थ्री ये तीन एच प्लस नहीं दे पाता ये सिर्फ दो दे पाता है बिकॉज इट हैज टू हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन बट वन हाइड्रोजन इन एस थ्री पीओ थ्री

So, पर से दो ही एच प्लस होते हैं बट धोखा हो सकता है आपको तीन एच प्लस तो ये गलती नहीं करना यही है यही स्पेसिस है जो करवाता है। एक, और एक ही रिलीज किया जा सकता है, सकता है वन प्लस तो ये तो और भी बड़ा धोखा है सो तो जो धोखे वाले हैं भाई उन्हें और दो तीन बार लिख लो कहाता है एस थ्री पीओ थ्री में एस थ्री पीओ थ्री से सिर्फ दो एच प्लस निकलेंगे और इससे बड़ा धोखा क्या बताया किसमें होता है एस थ्री पीओ टू में यहां पर सिर्फ सिर्फ एक एच प्लस रिलीज होगा ओके okay. गाइस सर कंजूस है नहीं देंगे पार्टी हैं अब पार्टी कब दे रहे हो न्यू ईयर की किसने बोला मैं कंजूस हूं मैं सारी दुनिया में जाना जाता हूं बड़ी-बड़ी बड़ी पार्टी देने के लिए बट आपको कैसे दिया जाए हैं परनीत मन सर टुमारो मूवी ऑफ योर एंड मोहित सर पता नहीं यार <laughs> कुछ भी कुछ भी मूवी कहाँ से मूवी आ गई हाउ टू मेमोराइज दिस और यार मेमोराइज क्यों करना है बहुत इजी है देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको मेमोराइज करना है इस फैमिली को याद रखो इस पी फोर वाले को यही गड़बड़ करा सकता है आपसे है ना तो आप जो है इसे ध्यान में रखो कि ओके ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है सी ऑक्सीजन फोर होगा तो कितने H आ सकते हैं तीन एक कम करते जाना है बस। हाइड्रोजन दिखाई तो देंगे है ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन लास्ट वन इज एस थ्री प्यो टू सो एस थ्री प्यो टू से कितने ऑक्सीजन है दो

ट इज एन फैक्टर फॉर बी एच होल थ्री वॉट इज एन फैक्टर फॉर बी एच होल थ्री क्या एन फैक्टर आएगा थ्री मेंटी मेंटी हम्मिक अभी नहीं नो 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 थोड़ा होने दो टाइटेशन वाली स्लाइड दिखाना तो मुझे ओके हम्म थ्री नहीं आंसर है बहुत बार आई हैव डिसकस्ड दिस बोरिक एसिड बोरिंग एसिड ना पहले के मेंटी क्विजस में भी इस पे क्वेश्चन डाले हैं बोरिंग एसिड एक्चुअली इट इज बोरिक एसिड भाई तो ये क्यों बोरिंग है क्योंकि इसकी ये बहुत नाटक करता है क्या नाटक करता है एक्चुअली दिस इज नॉट अ बेस आपको देख के लगता है दिस इज अ बेस तो पहला नाटक इसका <laughs> क्या क्या पहला नाटक है भाई ये बेस है ही नहीं जो <laughs> दिल टूटा आपका से जो टूटे कोई सपना जग सुना, सुना लगे तो ये जो है भाई सब इसके आते ही झटका लगा आपको पता चला गाइस ये क्या है कोई मूवी नहीं है कौन कौन सी मूवी आ गई भाई भोजपुरी मूवी है कोई <laughs> भोजपुरी मूवी क्या सो so, बोरिक एसिड भाई बेस नहीं है एसिड है और ये वाटर से एक एच प्लस रिलीज कराता है सो so वाटर से एक एच प्लस रिलीज कराएगा सो so इसका एन फैक्टर क्या करता है ये वाटर से एच प्लस रिलीज कराता है है ना रिलीजेज एच प्लस फ्रॉम वाटर ये अपना तो कुछ देता ही नहीं है अपना कुछ नहीं दे सो रिलीजेज एच प्लस फ्रॉम वाटर अपना तो इसके पास तो पहले ओ एच रिलीज होगा नहीं बिकॉज इट इज एन एसिड इट इज नॉट अ बेस तो ओ एच रिलीज नहीं होना है अब अब क्या है इसके बाद निधि देख रहा हूं भाई बहुत हो रही सो एच प्लस फ्रॉम वाटर तो एच प्लस रिलीज करेगा वो भी वाटर से रिलीज करेगा अपना देता ही नहीं है ना ही अपना ओएच देता नहीं अपना एच प्लस देता तो ये एसिड भी ढंग का नहीं एसिड भी एसिड के भी नाम पर कलंक है या उल्टा कहो कलंक के नाम पर

बिना किसी टीचर के सब कुछ सीख सकते हो बट वीडियो में आप जो लाइव या फिर आप ऐसे वीडियो जो देख रहे हो इसमें कुछ बहुत एक्सक्लूसिव बातें होती है कि मैंने सिखाया क्या इन फैक्टर तीन तरह से निकलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का अलग नॉन रेडॉक्स का अलग विदाउट रिएक्शन मैंने तीन तरह से आपको सिखाया है ये सब बातें जल्दी है आपको मतलब ये सब बहुत एक्सक्लूसिव बातें ऐसी वीडियोज में ही मिलेंगी आपको ओके सो मूव ऑन सो भाई ये जो बातें मैं आपको बता रहा था वो एज एन एक्सेप्शन केस है लिखा हुआ है बट मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है इसने क्या किया है ना केमिस्ट्री की इज्जत खत्म कर दी एक्सेप्शन केसेस कोई एक्सेप्शन केसेस नहीं होता है मोहित सर की बातें जो आएगी डायरेक्ट काम आएंगी ओहो भाई यू आर वेरी नॉटी भाई <laughs> क्या हो गया मैं कब से हो गया हा? तो क्या मैं कह रहा था एस थ्री पीओ फोर एस तीनों के केसेस ना मैंने कि यहां पर तीन होते हैं, बोलना इसको, होता है। सर मैं आगे नहीं पढ़ूंगी आपने वीट फ्लोर वाला डाउट नहीं सॉल्व किया है ये क्या था वीट फ्लोर वाला डाउट <laughs> नींद आ रही है नींद आ रही है असद भाई नींद आ रही है हा भाई देख बुढ़ापे में जोश देख भाई देख बुढ़ापे में जोश देख देख बुढ़ापे में जोश देख। देख, देख 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 बुढ़ापे में जोश ओके सो भाई ये पूरा डिटेल में पूरे आपके नोट्स में ये सब बातें बताई हुई थी इस तरह से निकालना है फिर आप नोट्स में पढ़ोगे ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है आपको ऑलरेडी चीजें मैंने सिखा दी है बट यहाँ पर ना लिस्ट नोट्स में बनी हुई है कि किस तरह से हर स्पेश का आपको प्रैक्टिस के लिए ये पूरा पेज दिया हुआ है इतना अच्छे से पर स्लाइड में ना दिख रहा हो बट नोट्स में बहुत अच्छे से दिखेगा जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। और आप बहुत इजीली बना लोगे इतना कर लिया है। अब लास्ट में अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ऑफ इक्वलेंट एंड मिली तो ये आप तो निकाल ही लोग कैसे weight. Weight को कर equivalent से, equivalent आ जाएगा और उससे मिली इक्वल निकाल लेना कौन सी बड़ी बात है यार वैसे ही इक्वेलेंट और मिली इक्वेलेंट निकालो H2SO4 से तो निकाल लोगे वैसे इक्वेलेंट एंड मिली इक्वेलेंट निकालो सी एच से कौन सी बड़ी चीज यार ऐसा ऐसा सारा काम हमने कर लिया है सो so, हाँ अब फाइनली ऑलमोस्ट यहां पर पहुंच गए व्हाट मास ऑफ द फॉलोइंग बेस इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 490 ग्राम ऑफ एस सो क्या मास बेस का चाहिए होगा अगर बेस एन है तो कितना मास नहीं, इसका चाहिए होगा के के साथ रिएक्शन करने के लिए तो कितनी देर से इसी टाइप के के रिएक्शन देख बराबर करो वेट निकाल दो तो मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा क्योंकि एक ही तरह क्वेश्चन का हो गए, अब चलते हैं, दूसरे की तरफ कहा गया भाई मेरा, यहां से निकाला जाए देखिएगा दूसरे नोट्स की तरफ चलते हैं जल्दी मत करवा कहाँ गया आ, ये 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 टाइटरेशन भाई मेरा आजा हम्म ये क्या गया ना ना दिस इज़ नॉट द वन दैट आई वांट है ना हम्म 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 ऐश करवा आप तो तब तक

देखिए कल ये बातें चल रही थी याद आया अब फटाफट देखिएगा जितनी चीज आपने सीख ली उसे सब के सब सब के सब आप फिनिश कर देंगे ओके है ना टाइट्रेशन के सेशन को सेशन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के कलर पे भी ले लीजिए इसमें आ जाता है <laughs> टेंशन नहीं आपके पास जितने सेशन हो बहुत अच्छे से डिजाइन है देखिए मैं आपको बता दू आपके सेशन किस तरह से चलने वाले हैं एक बार ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कैसे चलने वाले हैं और आपको एक फिक्स प्रोग्राम भी आपको ना एड करवा दूंगा जिसका जब मन होगा करके सेशन ले लेगा देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंट <laughs> अब पावर पॉइंट को यूज नहीं करता दोस्त अब गूगल स्लाइड्स यूज होती है एट परसेंट बैटरी को जल्दी से एट्टी परसेंट कर लो <laughs> क्योंकि अभी एक मिनट एक मिनट ही तो बचा हुआ है।, है ना क्योंकि ये चीजें हमने ऑलमोस्ट हर अच्छी चीज पढ़ ली है और अब हाँ ऑब्वियसली सॉल्विंग के थ्रू और भी चीजें सीखेंगे और ऑब्वियस यार अगर हम क्लास एलेवेंथ में जा करके पूरा टू ईयर सिलेबस टू ईयर वाला कोई कोर्स करेंगे तो ऑब्वियस चीज़ें और भी अच्छे से सीखेंगे बट अभी हमने एग्जाम फोकस प्रिपरेशन किया है मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि ये हमारा आई क्यूजी में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के तरीके से चलने की कोशिश की है मैंने और जो पोर्शन कमजोर होता है रेडॉक्स वाला है मोल वाले पार्ट पे भी काम करना है आप देखो मैं आपको प्लानिंग बता रहा था कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं इस सेक्शन के बाद हम एसिड बेस सॉल्ट वाला सेक्शन करने वालेगी आई एनजीओ के लिए आई एनजीएसओ जो हमारा डेडिकेटेड उसी के लिए मतलब की सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल क्वेश्चन फायर बोल्ट में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और रिलेटिवली फिर क्या कर रहे हैं जीरो से लेकर के अपर लेवल तक तो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ये फायरबोल्ट बैटल चार्जर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मैं आई एन जे एसओ से जब लगाऊंगा दैट मीन्स के डिस्कशन ही होगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लेवल पे जैसे रिडॉक्स है सबसे टफ या फिर आई एनजे लेवल के ही क्वेश्चन होंगे अभी तक हमने जो किया उससे भी हमारा ऑब्वियसली ये हमारा बेस बनाता है तो हमें अगर आई एन जे एस लेवल यानी कि आई यू क्यूजेस के सेकंड पेपर के बराबर का कोई प्रैक्टिस करना तो ये तो हमारा बेस है ना

ओके okay. mm -hmm. मैं आपका लेक्चर देखना चाहता हूँ दो नॉट एलिजिबल इन आई क्यूजेस और आपके के कारण मैं देख नहीं पाता इसलिए मैंने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया पढ़ नहीं दोस्त बिंदास करो ना आपको जो भी आपको सही लगता है मतलब रूटीन क्यों चेंज करना रूटीन के साथ चलो अच्छी बात है ठीक है कमान सो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम चलने वाले आगे जाके सो जाइए ओके एन टी एस सी स्टेज वन इज इजी एन टी एस सी स्टेज टू बराबर आईयू जेस पार्ट वन आई क्यू जे एस पार्ट टू हो पी चलो ऐसा बोल सकते वैसे एन टी एस सी स्टेज टू भी कम नहीं है ऐसा तो नहीं है ठीक ठाक है अच्छा है। अब एक्चुअली सिलेबस की बाउंडेशन है ना ओलंपियाड डज नॉट हैव एनी बाउंडेशन ऑफ सिलेबस ऐसा थोड़ी ना है कि आपको आई ए क्यूजेस में ये डिसाइडेड है कि क्लास इलेवन तक ही इतना पूछेंगे कितना पूछेंगे ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है वो पूछते हैं ध्यान रख करके इफ यू आर काइंड ऑफ है साइंटिस्ट काइंड ऑफ पर्सन और यू हैव एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन साइंस दैट मीन्स कि यार अगर आप क्लास टेंथ के हो तो कुछ तो आप जान रहे हो गया आगे का सो वो इस हिसाब से पूछेंगे वो चाहते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड आप अपने क्लास से ज्यादा लेवल की नॉलेज रखो वो ये चाहते हैं शशि टायर्ड होने का मतलब ये तो थोड़ी ना है कि आप जो अपने जो एम है उसके लिए काम ना करो है ना टायर्ड होते हैं ऐसा नहीं है बट स्टिल तो तो करते रहना चलो आ रहे वापस कल ये सब बातें डिस्कस रहे थे टाइट्रेशन अननोन को निकालना ध्यान से सुनना आप दस मिनट ध्यान से सुनो सारी बातें हो जाएगी

घूमते रहता है फैक्टर एंड N एंड वेट इक्वल एंड इक्वेल एंड वेट एंड नॉर्मैलिटी बस हो गया टाइट्रेशन इतनी पे होता है तो वो सारी बातें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो टाइट्रेशन के कुछ भी टेक्निकल जो भी सॉल्विंग uh, वाला पार्ट है वो तो ऑलरेडी आई चुका है हाउ टाइट्रेशन वर्क टाइट्रेशन कैसे काम करता है तो टाइटर एंड टाइटर दो स्पेसिस होंगे एक जिसकी वैल्यू अनोन है एक जिसकी वैल्यू नोन है दोनों रिएक्ट करेंगे जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा मैं लॉ ऑफ इक्वेलेंस लगाऊंगा लॉ ऑफ इक्वेलेंस लगाऊंगा

है ना और इक्वलेंट ऑफ सेकेंड स्पेसिस हो गया ना सो ये एक तरीका हो गया लिखने का अब नॉर्मैलिटी को आप कैसे लिखते हो एन फैक्टर है 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 ना Z लिखा लिखा हुआ हुआ बट ये होता क्या फैक्टर ही है। ठीक है? ज्यादा फेमस नाम एन फैक्टर है बट नोट्स में कहीं कहीं पर जेड भी लिखा हुआ तो फिर टेंशन नहीं लेना तो नॉर्मेलिटी का ये वाला फॉर्मुला लगा दिया तो सारे फॉर्मुला तो आपको पहले सिखा दिए क्या ही जरूरत है बढ़ जा ए, बढ़ जा पैर पढ़ो भाई बढ़ जा बढ़ जा बा 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 बढ़ जा, नहीं बढ़ना भाई इसने क्या ऐसा फेविकॉल का जोड़ लगाया यार, so how works हो गया यार अब आइए इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर गाइस जिंदगी में नसीब तो नहीं हुआ है बट आपको फिर से खुशखबरी दे दें दो हजार इक्कीस में बहुत बड़े रिवॉल्यूशन हैं कुछ रिवोल्यूशन आपको अभी धीमे धीमे पता चलेंगे लोग अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशन ला रहे बट अपना तो बहुत सिंपल सा फंड है एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाना भाई ओलंपियाड के लिए अवेयरनेस दूसरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लानी और वैसे आप वी पे बहुत वी पे बड़ी अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है वी पे जो सीरीज ला रहे हैं वो ना लोगों ने कभी पता नहीं क्यों नहीं किया शायद ज्यादा मेहनत पड़ती इसीलिए लोग नहीं करते हैं या लोग ज्यादा जेई के एग्जाम के लिए नीट के एग्जाम के लिए ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं जबकि होना क्या चाहिए सच्चाई में ओलंपियाड को अगर फोकस करके आप पढ़ोगे तो आपका लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि फिर जेई एडवांस का लेवल या नीट वगैरह का लेवल नीचे आ जाता है बट पता नहीं लोगों के तरीके अलग अलग है पढ़ने के बट दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप पहले से अवेयर रहो जैसे आप हो कई सारे लोग आप में से एट नाइन टेंथ वाले जो लोग हैं पहले से अवेयर है कि भाई हमें अच्छा करना है तो वो पहले से पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो यार बाकी लोगों की तो बैंड बजा के रख देंगे जब कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो है ना हाँ आपका ड्राई आइस के साथ प्रैक्टिकल क्लास हो तो <laughs> हाँ तो ऐसे ही है ना अभी 2021 में तो देखो ऐसी बेहतरीन लैब बनाएंगे ना लोग देखते रहेंगे सो so, यहां पर बता रहे है, टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है स्टैंड है क्लैम्प है और यहां पर हम ब्यूरेट पिपेट को कसने के लिए तैयार है बढ़ रहे हैं अब देखिए ब्यूरेट आ गया ब्यूरेट में हमने इसमें ऐड करना है एक सब्सटेंस को दूसरा सब्सटेंस नीचे रहेगा ये स्टॉप कॉक है ये स्टॉप कॉक क्या होगा ये मूव करेगा मैंने टच किया तो नॉन सॉल्यूशन आ गया अच्छा नॉन सॉल्यूशन का नाम क्या होता है टाइटर या टाइटर एंट टाइटर या टाइटर एंट वॉट इज द नेम ऑफ द नॉन सॉल्यूशन? टाइटर होता है गाइस या टाइटर एंट होता है टेल मी वाट इज द नेम ऑफ बताओ यार मैं आवाज निकालने की कोशिश करना चाहता हूँ लेकिन जो है आवाज ही नहीं निकलती शाहरुख खान की <ख़ाँगा> ए बताओ ऐट टाइट्रेंट है, है ना बिल्कुल सही यार आपको आर्मी आपको पॉइंट मिल गया यार पहले आपने लड्डू खाए थे कितने सारे मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं मेरा मन करता है मैं बहुत स्ट्रिक्टली पॉइंट्स लिखूं आपको दिखेगा आप कितना गलत कर रहे हो नहीं दिखता है बहुत चिल्ड होते हो आप कितनी सारी गलतियां की आपने पहले हाँ सो ऑफ यू एंड मोहित सर ऑफ यू एंड मोहित सर अरे तुम तो, नहीं तो मैं रोहित सर हूं हाँ मैं ही रोहित सर हूं मैं ही रोहित सर हूं <laughs> अरे मैं ही तो मोहित हूं कैसी बातें कर देते हो आ करके चलो यार बड़ो आ गया ओके तो नॉन सोल्यूशन है देखो ना लोग ऐसा पढ़नी उतनी तो देर से हंसाए जा रहे हंसाए जा जा रहे जा रहे।, जा रहे।, जा रहे है ना सर स्काई फाइव मूवी ऑफ यू एंड मोहित सर रियली यू एंड मोहित सर रियली <laughs> हाँ ठीक है ठीक है ठीक है उसका मतलब हो गया कि मैं ही हूं उसमें बस और कोई नहीं है ओके <laughs> okay, चलो हाउ आईट्रेशन बॉक्स बताओ यार अब <laughs> देखिए टाइट्रेशन का फ्लास्क आ गया टाइट्रेशन का फ्लास्क आ गया अब ये टाइट्रेशन के फ्लास्क में देखिए क्या ऐड हो रहा है हट यार <laughs> अननोन सॉल्यूशन आ गया व्हाट इज द नेम ऑफ अननोन सॉल्यूशन टाइटर देख रहे प्रोसेस ऐसे चलेगा और आपको करना कुछ नहीं है ये तो पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है भाई टाइट्रेशन हो रहा है इक्विवेलेंट टाइटर का बराबर इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट खत्म अब मैं नॉर्मलिटी वॉल्यूम वाले फॉर्मले लगाऊंगा इक्वलेंट के जितने फॉर्मले लगाऊंगा डेटा देखूंगा फॉर्मले लगा करके फट से काम करूंगा काम करता हूं। ये ही तो है <laughs> है, क्या? <laughs> है ना? क्या है थोड़ी ना सचिन सर की मिमिक्री और सचिन सर बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं ना अब भाई अब अपना अपना टैलेंट दो <laughs> क्या Is कौन, सा यार, कौन सा मैं करता ही ओके। so guys, मैंने यार आप कुछ भी कर लो टाइट्रेशन काोसीजर तो प्रो था टाइट्रेशन चल रहा है चल रहा है, चल रहा है ओके? यार घुमा फिरा के क्या ही करना है आपको कोई अनोन निकालना होगा यह पूरा प्रो प्रोसीजर है कोई अनोन निकालना होगा इक्वेलेंट बराबर करेंगे डेटा देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको सिखाए हुए रिलेशंस सबसे टफ सिचुएशन के लिए भी और आपको सिखाए हुए डायरेक्ट रिलेशन भी लगा दीजिए बना दीजिए ओके okay, आगे यहां अक्सर एक इंडिकेटर भी डालते हैं ये इंडिकेटर क्या करता है कि जब जब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस बराबर हो जाते हैं या हाँ लॉ ऑफ इक्वैलेंस जिंदाबाद अगर इक्विवेलेंट्स एसिड बेस के बराबर हो गए अगर इक्यूवैलेंस एसिड बेस के बराबर हो गया या जो भी रिएक्टिंग जरूरी तो नहीं कि हो, अगर कर रहे तो नॉन रिडॉक्स हो, हो, <laughs> हो, हो, तो हो जाएगा और अगर एसिड बेस नहीं है तो रिडोक्सन हो जाएगा है ना सो so, इंडिकेटर डालते हैं वो कलर चेंज करके बताएगा कि भाई तेरा रिएक्शन हुआ चल अब रुक अब एक्स्ट्रा एसिड या बेस मत ऐड कर समझ लो ना अब यहां से ये भी याद रखो ये हम जब भी यहां पर स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप ये गिरेगा ठीक है और ना अचानक से कलर चेंज जब होगा हम फिर स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे भाई रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अब तेरा टाइट्रेशन हो गया टाइट्रेशन हो गया सो so, ये कलर जब चेंज करेगा ना उसे हम बोलते हैं इक्वालेंस पॉइंट

आ, भाई नींद आए तो कम से कम बोला मत करो कि नींद आ रही है <laughs> हम भी इंसान ही हैं तो <laughs> हम पर भी असर पड़ता है यार हाँ तो मैं ये कह रहा था हाथों से थोड़ी ना डालेंगे यार हाथों से डालते हैं क्या हाथों से नहीं डालते तो मॉलिक्यूल्स को हाथों से तो डालेंगे नहीं तो जब मॉलिक्यूल को हाथों से नहीं डालेंगे तो एग्जैक्ट कैसे बता देंगे आप है ना तो कुछ ना कुछ हमारी नजरों से गलती हो जाती है ह्यूमन हमसे हो जाता है सो so, आपने एग्जैक्ट डाला पॉइंट तो आप पेन पेपर पर तो एग्जैक्ट काम कर ही सकते हो बट रियालिटी में नहीं होता ना पेन पेपर पर एग्जैक्ट बातें हो सकती है मैथमेटिकल बट रियलिटी में नहीं होता तो व्हेन यू राइट इक्वेलेंट ऑफ एसिड इज पॉइंट बट अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो गया कम ऐड हुआ और फिर भी आपने टाइट्रेशन बंद कर दिया दैट इज एंड पॉइंट सो देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू क्या एंड पॉइंट एंड इक्वेलेंस पॉइंट ये बराबर हो सकते हैं कभी या नहीं सर आपकी फिटनेस भाई तुम लोग किसकी आईडी देख रहे हो ये चले आते हो बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है सर आप जिम करते हो सर आप मिस्टर चंडीगढ़ ये सब क्या क्या बातें बोलते रहते हो तुम लोग किसकी आईडी देख लिया चलो ब्यूरेट ग्रेजुएटेड सिलेंडर ये इसके बारे में बताया जा रहा है एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा टाइट्रेशन का एक्सप्लेनेशन है आपके नोट्स में है ना फिर किस तरह से इसको मार्किंग की जाती है ये सब हालांकि आपको पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है बट स्टिल भाई पूरा एक्सप्लेन अब नोट्स है तो नोट्स में तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना इंडिकेटर सब्सटेंस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सिग्नल्स एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ये इंडिकेटर ही ये बताएगा कि आप टाइट्रेशन को बंद कर दो और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आया क्या सर सो जाओ सपने में भी सिखा सकते हैं <laughs> आ यार काश के सपने में सिखा सकता तो फिर तो मज़ा आया था सबके कॉन्प्ट सपने में क्लियर कर देता सुबह उठते तो हो 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 कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका व्हाट्सएप नंबर है और उस पर आपकी ही फोटो है मसल्स और एप्स दिखते हैं क्या कर रहा है भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है एप्स वाले टीचर थोड़े टीचर्स लोग के पास एप्स होते हैं <laughs> टीचर्स के पास एप्स कब से होने लगे परफॉर्मिंग टाइट्रेशन अब भाई टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाएगा कैसे परफॉर्म किया जाएगा ट्यों 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 टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक ये ऐसे ऊपर से टिंगी 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 करके गिरेगा है ना और यहाँ पे छपक 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 ये होगा तो वो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा ओके आराम आराम से ये नहीं पूरा खोल दिया हड़ा नदी बाद ऐसे नहीं होता टाइट्रेचर चाटे पड़ेंगे घुमा के बाहर निकाल दिया जाएगा लैब से कि कैसे कैसे लोग आ गए है ना हम्म बेजती हो गया भाई ये तो भाई सैयद अरम अली तो जाने पहचाने भाई लोग लग रहे हैं सर आप ब्रजेश जिंदल सर को जानते हो अरे मैं सबको जानता हूँ <laughs> नहीं जानता हूं, अभी आपने बता दिया ना मुझे पता चल गया है ना ना ब्रजेश जिंदल मैं जानता हूँ यार जानता हूँ अब थोड़ा ध्यान दूंगा अभी तो ये पढ़ा रहा हूँ तो अभी रिकॉर्ड <laughs> जानता ओके भाई किसी ने कहा कि नहीं मिन्टी मिनटी मिनटी ऐसे नहीं चलेगा मिन्टी के लिए सेंटी मत हो ये जस्ट देखिए पूरा अरेंजमेंट वगैरह सब दिखाया गया है यहां नॉर्मेलिटी यहां वॉल्यूम की बात हो रही है यहां यहां वॉल्यूम नहीं पता है ठीक है है ना वॉल्यूम नहीं पता है मतलब आपको किसी एक जगह कोई एक अननोन क्वांटिटी तो रहेगी तो अब दिखाया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं फिर इक्वेलेंस बराबर हो गए इक्वेलेंस पॉइंट आएगा इक्वेलेंस बराबर हो जाएंगे नॉर्मेलिटी इन वॉल्यूम वाला पार्ट बराबर हो जाएगा ओके बराबर हो जाएगा तो इतना खाली हो गया तो ये जो खाली हुआ यही वॉल्यूम होता है जो कि यूज होता है देख रहे हो ये जो खाली हुआ ये ये वॉल्यूम जो है वो यूज्ड वॉल्यूम कहलाता है और वो यूज होता है इस में में यही प्रोसीजर है टाइट्रेशन के फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है इंडिकेटर वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा ये जहां पर मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आई के लिए वहां पे चिल कीजिए बट फिर भी आपके पास नोट्स है रीडिंग डाल सकते हैं, तो डाल करके रखिए ऑब्वियसली बाकी सारा मेन काम मैंने करा दिया है कि किस तरह से आगे आपको चलना चाहिए भाई ओके बट okay. अपने आप में जो हमारा अब आ गया रेडॉक्स टाइट्रेशन के तो जैसे हमने टाइट्रेशन uh, में कैलकुलेशन किया वैसे ही करना है अगर मान लो कि मैंने कोई वैल्यूज दी होगी उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएगा अभी हाँ ये पूरा कैलकुलेशन का ना पूरा वो बताया जा रहा है बोरिंग मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से आप वॉल्यूम यूज करेंगे इक्वेलेंट यूज होगा जरूरत नहीं होती इनकी बट ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके ठीक है हमने तो जैसे सॉल्विंग की है उसी तरह की जरूरत थी सबसे ज्यादा ये नोट्स को ऐसा बनाया गया है कि कोई भी अपने सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकता है अब देखिए, जैसे आई एन लेवल पे पहुंचे आप ठीक है क्वेश्चन आ गया, अब देखिए, आपको टाइट्रेशन का प्रोसीजर समझा दिया गया दोस्तों तो आप ये मत कि टाइट्रेशन क्या होगा टाइट्रेशन क्या है टाइट्रेशन हो गया आपको पता चल गया है कि टाइट्रेशन क्या होता है टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसमें हम अननोन वैल्यूज का पता लगाते हैं उसके लिए पूरा प्रैक्टिकल सेटअप होता है जैसे अभी आपको करके दिखा रहे थे चिल आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होगा एक आसान लेवल पर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से एक एनालिटिकल लेवल पर होगा ये काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है और ये आई एनजीएस में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं हालांकि और भी बेटर इससे बना देते हैं क्वेश्चन को लेंदी बना देते हैं और एनालिटिकल बना लेते हैं है ना डू यू हैव एनी शेड्यूल फॉर यूट्यूब हाँ हमेशा शेड्यूल होता है हर दिन का शेड्यूल होता है पूरे वीक का शेड्यूल होता है गाइस शेड्यूल तो होता ही है हुँ? शोर होता है गुड नाइट सो so, आइए अब जान निकल गई है ना पढ़ते पढ़ते मुझे तो लग रहा है कि लोग जो है अब हैप्पी न्यू ईयर के ना आ, बस हैप्पी न्यू ईयर की याद में ही जो है जीना चाहते हैं है तो ना गुड <laughs> मॉर्निंग होने वाला है बस 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 और इसी तरह से अगर कल तो चलो थर्टी को क्लास नहीं है गाइस थर्टी को क्लास नहीं रखी इसीलिए क्योंकि आप जो है ना हाँ थर्टी को क्लास इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि आप जो है बिल्कुल टेंशन में रहते हो सर आप थर्टी दिसंबर वी थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक क्लास पढ़ा रहे हाँ थर्टी एथ से थर्टी फर्स्ट तक काश के यार कल क्लास रहता मतलब आज क्लास रहती है अब तो एक मिनट में हो भी ओ, हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब कोई पूछ रहा है कि सर आप कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हो मैं ओरिजिनली दिल से बिलोंग करता हूँ दिल से है ना हाँ है तो मेंटी दम है तो रुकिए मेंटी कर देते हैं। <laughs> हाँ ये क्या बोल रहे हो भाई ऐसे मत बोलो प्लीज <laughs> सच में तो मुझे लौक की बना दी व्हाट एम आई ड्रिंकिंग आई एम ड्रिंकिंग बेंट बेंट शेप्ड मॉलिकुल Uh, an angular shaped molecule where the central atom has two lone pairs. And that central atom has atomic number, that central atom has atomic number, <laughs> that central atom has atomic number eight. Total number of electrons in this species is equal to ten. <laughs> one angle, one zero. <laughs> नहीं गलत हो गया वन जीरो सेवन पॉइंट एट नहीं है वन जीरो मैं कहां पे हूं अभी अभी तो मैं आपके आपके दिमाग में हूं इस कंप्यूटर में हूँ आपके दिल में हूं डाई <laughs> हाइड्रोजन ऑक्साइड हा यार ऊपर से इतना कुछ बताने की <laughs> क्या जरूरत थी मज़ा आता भाई कभी कभी तो हम हरकतें करें है ना भाई ये तुम लोग आपस में क्यों भाई फोन नंबर लेने देने का काम कर रहे हो देख रहा मुझे ठीक है मैं समझ रहा हूं आपस में दोस्ती बहुत है लेकिन ये काम क्यों कर रहे हो ब्लेंड ऑफ मेटल आयस चलिए ठीक है तो आप पहले मुझे बताइए टाइट्रेशन में आपने जाना क्या क्या सीखा भाई अब तो अब तो क्वेश्चंस का वो सीक्वेंस आ गया आपको भी दिख गया के नोट्स में भी आपको टाइट्रेशन का सेक्शन दिखेगा और उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिखने लगे और ये क्वेश्चन भी मान लो आपके सामने है और ये आता है बनाने के लिए आप इसे भी बना ही दोगे मैं उससे पहले आपसे फाइनली क्योंकि मैं चाह रहा हूं फटाफट एक पाँच छह क्वेश्चन की मिनटी हो जाए और फिर हम पैकअप करें बट मुझे पहले आप बता दो आपने क्या जाना हाँ फाइंडिंग <laughs> कुछ नहीं टाइट्रेशन में भाई अन निकालना है और कैसे निकालना होता है दोस्तों इन फैक्टर इक्वेलेंट को बराबर कीजिए इक्विवलेंट बराबर कीजिए अब एक्चुअली इक्विवलेंट बराबर करना यही मेन फंडा हो गया टाइट्रेशन का इसी से अननोन निकलेगा बट ये जो अननोन निकालने का प्रोसीजर है अननोन निकालने का जो तरीका है भाई वो मेहनत का है उसमें n फैक्टर फंसेगा और उसी से रिलेट करके इक्विवलेंट वेट भी पूछ देंगे n फैक्टर निकालने के तीन तरीके मैंने बताया, रेडॉक्स के लिए नॉन रेडॉक्स के लिए और विदाउट रिएक्शन भी है ना रामनोर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा कल गूगल मीट पे कितने लोग आ रहे हैं मैं गूगल मीट सोच रहा हूँ कि कल गूगल मीट करते हैं है ना गूगल मीट करते हैं हाँ गूगल मीट करते हैं भाई मजा आ जाएगा है ना बट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले मैं सोच रहा हूँ सबका होमवर्क चेक करूँ और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत करते हैं एक बार आदित्य तो लगता है सो गई सीरियसली <laughs> पता नहीं आप लोगों ने मतलब के आप लोगों ने आपस आप में कोई ग्रुप तो बनाया हुआ था ना टेलीग्राम का वैसे आप लोग आ जाओ कई लोगों ने अपने भी बनाए हुए ग्रुप्स जो सरकारी ग्रुप है दैट गवर्नमेंट रिकोगनाइज ग्रुप जो है वेदांतो ओलंपियाड स्कूल वी का टेलीग्राम लिंक आपको हर बार डिस्क्रिप्शन में रहता है तो टेलीग्राम लिंक आइस व्यूएस का टेलीग्राम लिंक को तो ज्वाइन कर लो प्राइवेट है कैसी बातें कर रहे हो डबल टाइट्रेशन दो सब्सटेंस होंगे <laughs> बैक टाइट्रेशन मतलब एक बार टाइट्रेशन कर लिया बट उसमें उसमें क्या हुआ कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइजेशन के लिए बच गया सो so, फिर से आपको न्यूट्रलाइजेशन करना होगा डबल टाइट्रेशन दो सब एक्चुअली उसमें डबल इंडिकेटर्स होते हैं डबल टाइट्रेशन में डबल इंडिकेटर्स होते हैं तो भाषण मत पढ़ो ना लिंक्स पे जाओ ना भाषण कौन पढ़ता है <laughs> भाषण कौन पढ़ता है हाँ देखो सचिन ने ज्वाइन कर लिया है अच्छा सिद्धार्थ नहीं करेंगे भाई मत कर तो फिर क्यों बातें कर दिस इज फॉर विच स्टैंडर्ड चलो भाई ये ये फैजन कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कोविलेंट कैरेक्टर को समझाने के लिए होता है कि अगर एनायन का क्लाउड बड़ा होगा मतलब एनाइन का बड़ा क्लाउड से कोविलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है कटाइन के छोटे साइड से छोटे साइज से कोवलन कैरेक्टर ज्यादा आता है हाँ ओके गैस <laughs> okay, ये क्वेश्चन फिनिश करो मेंटी पे चल रहे ये क्वेश्चन फिनिश करो और आप लोगों के साथ बहुत 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 ज्यादा मेरी याद जुड़ेगी कि भाई 2021 आया था उससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ जो है एक रात में तीन लगातार मेंटीज खेली थी तीन मेंटीज है ना सो so, यार थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच गाइस बुरांग हाई हैंडसम हैंडसम सर भाई जैसे लिखाता है वैसे ही आगे टीचर को लोग हैंडसम बोले क्या थैंक यू सो मच वैट इज लॉ व्हाट इज लॉ देखा है इज चार्टे सब हमारा नाम लिख लो हाँ लिख लिया <laughs> अच्छा नाम लिखना किस बात के लिए? नाम लिखना भाई गाइस बट सुनिए आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला हैड ऑफ टू यू गाइस भाई 2021 आने वाला है और 2020 में आप जो है अभी 31 दिसंबर को मेरे साथ लगे हुए हैं फायरबोल्ड खेलने में बहुत अच्छी बात सर आप हाँ जिम जाता हूं मैं झाडू पोछा करने <laughs> है ना सर आप टीचर नहीं लगते हो मॉडल लगते हो भाई <laughs> पैर पड़ो भाई पैर पड़ो भाई पैर पड़ो भाई पैर पड़ो भाई दिल खुश कर दिया भाई ने क्या बात बोली है मैं सब समझ रहा हूँ मक्खन मार रहे हो और बाद में लोगों के सामने दिखाओगे कि देखो सर ने बोला पैरी पनो पैरी पना पैरी पना पन, है ना समझ रहा हूँ मैं सब आपकी चाल <laughs> चलिए आइए पहले क्वेश्चन फि, फिनिश कीजिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 आयंस इन एसिडिक मीडियम

X of C माइनस एफ सो X कितना क्या बोल रहा था? तो हम पता लगा लेंगे देखिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए एंड वॉल्यूम किसमें तो अपने आप ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल आता है बट इफ वॉल्यूम इज इन एम एल

आई में बाबू अजीमुल भाई क्या बात बोला अजीमुल इस्लाम चौधरी क्या बात बोला मेरे दोस्त भाई कह रहा है कि ग्ला... क्लास इज गोइंग अमेजिंग इवन द वन अबाउट टू स्लीप थैंक यू भाई मजा आ गया घर के सर मेंटी प्लीज नहीं नहीं गोवा बना भी नहीं था <laughs> तब तक नहीं 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 बढ़ जाए नहीं आंसर नहीं बताओगे ना बस बस यही सब काम करो ध्यान बताओ कॉलेज कॉलेज करो फिर <laughs> बीच 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 पे घुमा करते थे चलो आ जाओ मिली इक्वेलेंस कितना है गाइस मिली इक्वेलेंस कितने गाइस का ऑल द बेस्ट आदित्य वापस आ गए अच्छा मुझे अभी पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए था अच्छा सिक्स आ रहा है ओके 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 डन ठीक है ठीक है ठीक है अब मेंटी भी जा सकते हैं आइए मिली इक्वेलेंट्स एन फैक्टर कितना सिक्स एंड मिली मोल्स कितने थे वन हम कह देंगे ना मिली इक्वेलेंट्स को कैसे लिखेंगे एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मिली आ जाएगा कैसे आएगा एन फैक्टर सिक्स है

क्योंकि मैं अभी थोड़ा पर्सनल फोकस जब करूंगा स्टूडेंट्स पे तो कैसे रहेंगे आप कैसे आएंगे उसमें और मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर तो जरूर मैसेज कीजिए ना टेलीग्राम के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू ये जो ग्राम्स है मिलीग्राम टेलीग्राम इंस्टाग्राम किलोग्राम इनके थ्रू ना जरूर अटैच करके रहिए ना अटैच रहिए समझ रहे हैं आप लोग सारे लोगों को बोल रहा हूं मैं शौनक राम स्मिथ कपिल देशी अदिति सबको कह रहा हूं सुन रहे आप लोग चलो यार नहीं सुन रहे आप लोग दिल तोड़ने मेरा होची हाँ। आप अटैच्ड हो राम कुमार आप टेलीग्राम में हो कपिल मेरी एज एक सौ पचपन बचपन की उम्र एक सौ पचपन की सिद्धार्थ ऊन क्या था बाई ग्राम नॉट के जी मैंने तो बोला टेली सुन रहे हैं ओके हाँ ओके 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 सो राम कुमार इन द टेलीग्राम ग्रुप व्यूज के भाई इतना पर्सनली बोल रहा हूँ थोड़ा तो थोड़ी तो शर्म कर लो माताओ क्या ही बोलू मैं <laughs> जो मर्जी है चलो गाइस सो ज्वाइन कर लो फटाफट जितने भी लोग फटाफट आ जाओ कोड देख लो गाइस थ्री वन नाइन फोर ट्रिपल वन थ्री वन नाइन फोर ट्रिपल वो कोड है वहां पर कोड ज्वाइन कर लिया ज्वाइन कर लो भाई ज्वाइन करो फटाफट ज्वाइन कर लो अरे मैं सो जाऊंगा आप लोग बस अच्छे से पढ़ दो यार रैंक बना दो फिर मैं ना फिर सो लेंगे यार है इस बार बस ठाना है कि कुछ बड़ा कुछ हो जाए है ना सो रेडी गाइस

गाइस यहां पर रिएक्शन देखना Ca3PO4 होल 2 इफ द रिएक्शन इज नॉट विजिबल आई एम गोना राइट द रिएक्शन Ca3PO4 होल 2 Ca3 Ca3PO4 होल 2 है प्लस 6HCl है दिस इज द रिएक्शन 3CaCl2 प्लस 2H3PO4 ठीक है ये आपके लिए हिंट था हिंट था हिंट था लेट मी लेट मी लेट मी फिनिश इट कलवड़ हुई Ca3PO4 होल 2 का n फैक्टर देखिए यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं सुनिए सुनिएगा ध्यान से आपको रिएक्शन दिया था ना बिना रिएक्शन के भी इसका n फैक्टर आप निकाल सकते हैं सारे लोग ध्यान से सुनिए इफ आई आस्क यू दैट इज कि व्हाट इज द n फैक्टर व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास देखिएगा मैंने क्या किया ना आपको एटम दिया और एटम का n फैक्टर आपसे पूछा तो गाइस एटम का एन फैक्टर क्या आएगा अगर मैं एटम आपको देता हूं सोडियम बताना चैट बॉक्स में मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम का वैलेंसी देखते जाइए फैक्टर वन है मैग्नीशियम के लिए टू एलुमिनियम के लिए थ्री है क्लोरीन के लिए वैलेंसी वन है सो so, एटम के लिए ना एन फैक्टर इज वैलेंसी ठीक है फिर देखिए एटम अब कंपाउंड पर आ जाइए कोई कंपाउंड उठा लेते हैं तो कंपाउंड उठाइए आपकी मर्जी कैल्शियम ऑक्साइड उठा लीजिए दिस इज अ कंपाउंड इसका निकालना एन फैक्टर कैसे निकलता है अब ये जो आप काम कर रहे हैं ये रिएक्शन कर रहे हैं विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन विदाउट रिएक्शन हो रहा है है ओके विदाउट 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 रिएक्शन 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 हो रहा होने होने दो भाई, without reaction. Without reaction होने दो भाई अब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये सब विदाउट रिएक्शन है रिएक्शन नहीं बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर बट द बेस्टेस्ट मेथड इज फाइंडिंग द फैक्टर थ्रू रिएक्शन और ये क्या है ये चल रहा है

डायरेक्ट बताना है तो अगर रिएक्शन रिएक्शन है 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 तो में में देखना होता है है कि है। फिर में ये देखना होता होता कि नॉन नॉन फिर ये कितने इसका नेट पॉजिटिव और नेट निगेटिव चार्ज देखिएगा इसका नेट पॉजिटिव चार्ज टू नेट निगेटिव चार्ज माइनस टू के हिसाब से इनफेक्ट टू देखा अब कोई दूसरा सोल्ट में आपको देता हूं <laughs> अच्छा, आएगा? आएगा, बिकॉज चार्ज या टू कार्बोनेट पर कितना होता है? दो निगेटिव होता है राइट सो नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट निगेटिव चार्ज करके आप यहां भी पता लगा सकते हो टू आ गया ओके okay, फिर मैं इसलिए अब 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 ये भी सॉल्ट है देखिए अब सी ए फोर टू है आप इसका निकालो कैसे निकालोगे नेट कितने कैल्शियम है तीन कैल्शियम है और सारे कैल्शियम पे चार्ज कितना है? प्लस टू तो देखो इसका कितना आ जाएगा इन फैक्टर हो गया डन बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ना परफेक्ट यस निकाल दिया ऐसे और इसका जरा आप देखो तो ए थ्री पीओ फोर टू का क्या आएगा आएगा ना थ्री इंटू टू ये भी तो सिक्स आएगा बेरियम के बाद से प्लस टू होता है बिल्कुल सही तो ये सॉल्ट का निकल गया अच्छा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे फास्टेस्ट फिंगर एक मैं यहां पे ऐड कर दू एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर करो मुझे जी 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 सिक्स दिखा मुझे थैंक यू सो मच एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर मान लो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता सपोज दैट वी अ हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे ये एन डॉट टेन एच टू डॉट टेन एच इसका बताना एन फैक्टर क्या होगा इसका बताना इक्विवेलेंट मास क्या होगा So, N फैक्टर पहले बताओ एच टू ओ भी है बड एच टू ओ भी है गाइस एच टू ओ भी है आप जो N फैक्टर निकाल रहे हो ना वो विदाउट रिएक्शन निकाल रहे हो दर इज नो रिएक्शन विदाउट रिएक्शन यू आर फाइंडिंग विदाउट रिएक्शन यू आर फाइंडिंग एन फैक्टर वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेथड है उन्नीस तो मेथड क्या होता है यहां निकालने का सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाले पार्ट का देखते हैं नेट कटायन कटायनिक या नेट निगेटिव नेट पॉजिटिव चार्ज या नेट निगेटिव चार्ज वाटर का वाटर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इन फैक्टर में वाटर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है टोटल मास में वाटर इज काउंटेड फॉर टोटल मास बट वाटर इज नॉट काउंटेड वाटर इज नॉट काउंटेड वाटर इज नॉट काउंटेड फॉर इन फैक्टर बट इट इज काउंटेड फॉर टोटल मास ये सही है सो so, आप अगर इक्वरेंट पार्ट वेट निकालेंगे तो पूरा मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा चलो यह हाइड्रेटेड था हाइड्रेटेड सॉल्ट का सो so, ऐसे ही है, आपके पास ना सॉल्ट है मान लो ये ये होल एक तो डबल सॉल्ट है डबल सॉल्ट मीन दो पार्ट है सॉल्ट के और साथ साथ क्या है ट्वेंटी फोर एस टू ओ भी होता है इसमें है ना पोटासम आप इसका बता दो मुझे इन फैक्टर जिसने बताया फास्टेस्ट फिंगर उसका हो जाएगा उसके पास भाई टेन पॉइंट्स अलग से भाई वो चॉकलेट कभी भी उधारी मांग सकता है उससे <laughs> है ना और कौन सा टेम्पटेशन फास्टेस्ट फिंगर में फास्टेस्ट फिंगर में कोई नहीं आया अभी तक आंसर रॉन्ग हो रहे है। नहीं आया अभिषेक रॉन्ग है स्मिथ रॉन्ग है सिद्धार्थ रॉन्ग है लाइफ इंस्पिरेशन रॉन्ग देसी रॉन्ग 2,6 व्हाट डस दैट मीन 326 गाइस नहीं आया अभी तक नहीं आया नहीं आया शौनक एट यू आर द फास्टेस्ट फिंगर एट फास्टेस्ट फिंगर है अभिषेक सूद। शौनक आप नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे शौनक आंसर एट क्यों है आंसर एट क्यों है देखिए आंसर है? है और यहां एल टू एसो फोर होल थ्री में काउंट कीजिए एलुमिनियम के ऊपर एक प्लस थ्री चार्ज है और कितने एलुमिनियम दिखाई दे रहे हैं तो दो एलुमिनियम दो एल्यूमिनियम अगर है ना तो टू एल प्लस थ्री दैट मीन सिक्स टू एल प्लस थ्री दैट मीन सिक्स तो अब क्या कीजिए ये दोनों पार्ट थे सॉल्ट इस पूरे 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 एलम के सो ये टू प्लस सिक्स एड हो जाएगा टू प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू एट ये होता है मॉलिक्यूल का बता दिया सॉल्ट का बता दिया हाइड्रेटेड सॉल्ट बता दिया एलम बता, बता दिया सब जान गए आप हा एट के टू एसो फोर का है नहीं एट के टू एसओ फोर का नहीं है राम एट के टू एसओ फोर का नहीं है दोस्त पता है क्या क्यों बोल रहे हो का दिल टूट रहा मेरा कौन बोल रहा है देखो राम ने लिखा एट के दोस्त 8 देखना, 6 यहां से, से यह यहाँ से कितना है टू के टू एसओ फोर अगर अकेला के टू एसओ फोर होता दोस्त तो तू कितना लेता? इसका एन फैक्टर टू लेता ठीक है और फिर देखो अगर ए टू फोर होल थ्री अकेला होता सो वट विल बी एन फैक्टर फॉर दिस स्पेशल ऑब्वियसली सिक्स समझ गए चलो रहे गाइस देखा जाए ऑन द बोर्ड सही वर्णित टाटा टाटा योर सुपर बदमाश निधि गुप्त इस बार गुप्त हो गए अभिषेक सूद और बाकी जिन लोगों ने लड्डू लाया फ्लेक्स आ रहे नहीं मेरा ही नाम रख लिया भाई कोई <laughs> ये। ये। नहीं है मेरा नाम थोड़ी ना सो so भाई H2CO3 टू सीओ थ्री का इक्वेलेंट वेट बताना है ये रिएक्शन है इक्वलेंट वेट ऑफ H2CO3 टू सी थ्री इन दिएक्शन इज

क्यों 60 की तरफ गए हो दोस्त H2CO3 देखो रिवर्स चले जाओ यहां से अगर आप रिवर्स जाते तो H2CO3 से दो H+ निकल रहे तो इसका एन फैक्टर 2 होगा ना टोटल मास कितना आ रहा है इसका 62 62 2 कितना आएगा 31 आएगा ना क्या कर रहे हो फिर आप लोग हां इस दिल तोड़ रहा मेरा यार सूद, फास्टेस्ट एंड भाई इतना ज्यादा पॉइंट लेता आया वो अगर उसने गलती नहीं की तो वो जीतने वाला है श्योर sure. मेरा तो अभिषेक के पॉइंट में डिफरें क्या होने वाला है अगर आपने उसको नेक्स्ट राउंड में पीछे नहीं किया अगर नेक्स्ट राउंड में उसने स्कोर किया तो वो ऊपर हो जाएगा फिर उसको नीचे लाना मुश्किल हो जाएगा इस ओके सुर कीजिए अभिषेक सूद गुप्त सिद्धार्थ वालसर कुशाग्र अजीम स्मित एंड एंड साची चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन फॉर द चेंज इक्वेलेंस ऑफ एस टू सी थ्री एस टू सी थ्री का इक्वेलेंस निकालना है ओहो इक्वेलेंट वेट है देखिएगा समझ रहे ना ये देखिए यहां पे वेट छूटा हुआ है Guys, मत निकालना। <laughs> नहीं तो कोई आंसर नहीं आएगा इक्वालेंट वेट है वेट, राइट एस थ्री का नुपुर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर करें लेट uh, मी सी दैट के ना बायो के अगर टीचर है तो पहले तो ना पेपर डिस्कशन करते हैं सबसे देखो शॉर्ट टाइम के लिए अभी आपके पास टाइम है बट नुपुर यू हैव मोर देन थर्टी फाइव डेज सो पेपर सॉल्विंग का फोकस करो एंड आई थिंक दैट के बायो का भी यहाँ पर स्टार्ट होगा सो so, जस्ट देखते रहना वीडियो में जो डिस्कशन होगा बायो का बट पेपर सॉल्विंग इज द मस्ट गाइस पेपर सॉल्विंग बहुत जरूरी है टाइम नहीं रुका है टाइम चल रहा है वो वहां पे आपको लग रहा है बट वो टाइम चलते रहता है ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं <laughs> यार क्लास हो फिर भी आप अच्छा कर रहे हो ऐसा फील हो रहा है लग तो रहा है क्या गड़बड़ी की आप तो ऐसे ऐसे काम करते हो ना हड़बड़ाना आपका पुराना शौक हड़बड़ाना पुराना शौक है देखिए बैलेंस कर लीजिए पहले सिखाया मैंने तो यहां पर क्या करते है ना आप टू लगाते तभी ये बैलेंस होता अब आप वहां पर टू लगाएंगे तो यहां भी टू लगाना पड़ेगा ओके okay? अब सी देखिए आपको क्या दिख रहा है एच टू सीओ थ्री चेंज होकर के क्या बना रहा है एच सी ओ थ्री कहानी तो यहीं से खत्म थी आगे कुछ सोच नहीं, नहीं था एच टू सीओ थ्री गेटिंग कन्वर्टेड इन टू एच सी ओ थ्री सो क्या कितने हाइड्रोजन इसके हट रहे हैं यहां से यहां में सिर्फ एक सो एन फैक्टर क्या हो गया इसका वन हो गया ना देखिए तो कितना ईजी था यही तो हर बार सिखाया है ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है नॉन डेडॉक्स में सिर्फ ये देखना होता है कि कितने H प्लस गए कितने, एच प्लस हैं, कितने जा रहे हैं रिलीज हो रहे हैं। एक रिलीज हो रहा है एन फैक्टर वन है तो इक्वल एंड मास कितना आएगा सिक्सटी टू बाई वन सिक्सटी टू रुला रहे हो आप लोग बहुत रुला रहे हो देखिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ ओ ओ ओ भाई ये क्या हो गया हाँ <laughs> क्या हो रहा है बहुत बड़ा चेंज है तो बदमाश निधि गुप्त ऊपर आ गई है बिग बास्केट का ट्रेन लेकर के चल रही है है ना चलो डायमंड प्रमनूर परनीत विशागरा श्रीवास्तव बहुत बढ़िया और क्लास सिक्स वाले भी बहुत अच्छा कर रहे सच्ची है सच्ची क्लास सिक्स है इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एन एन टू गैस आर कल ही का बताया भाई कोई नहीं सूर्याश बिसवाल कोई बात नहीं है अगर क्रैश कर जा रहा है तो जस्ट आप देखोगे आपसे सॉल्विंग हो रही है कि नहीं बस इतना देख करके डन करो टेंशन ना लो नुपुर केमिस्ट्री किस लेवल तक पढ़नी चाहिए कि हर टॉपिक का टॉप टू बॉटम फाउंडेशन तैयार हो जाए रेगुलरली इस क्वेश्चन का आंसर ये है नुपुर के ना एक आपका फिक्स्ड मटेरियल होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मटेरियल जिसको बना करके आपको सॉल्व करके खत्म करना चाहिए है ना या तो वो स्टैंडर्ड बुक्स हो जो यूज करते लोग मार्केट में या फिर आपके कोचिंग का स्टैंडर्ड मटेरियल हो दैट इज दफिशियंट अब देखिए ये कैसे हुआ क्लोरीन गैस के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम और एंटू गैस के लिए इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वॉल्यूम वॉल्यूम सो गाइस का हम लोगों ने क्या पढ़ा है इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू

थ्री ऑब्वियसली सो इसकी वैलेंसी थ्री है है ना अब दो नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी सिक्स हो जाएगी और वही उसका एन फैक्टर हो जाता है तो एन फैक्टर सिक्स होता है Cl2 के लिए एन फैक्टर टू है दैट मीन्स के ट्वेंटी टू पॉइंट फोर शुड बी डिवाइडेड बाई टू दैट इज एलेवन पॉइंट टू फॉर N2, टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर विल बी डिवाइडेड बाई सिक्स दैट इज थ्री पॉइंट सेवन थ्री एलेवन पॉइंट टू एंड थ्री पॉइंट सेवन ठीक है बहुत बहुत अच्छे गाइस बहुत अच्छे बहुत एफर्ट डाल रहे आप लोग यार बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच मच एंड लव बहुत अच्छी चल रही आपकी, top, not, oh, flexarian, 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 है आपकी लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन योर सुपर बनवास ऑन द टॉप बट लेट अस सी नॉट आई थिंक है बड़े भाई अभिषेक तुमने तो पोजिशन बताओ यार क्या कर रहे हो छोड़ दिया क्या सॉल्विंग करना नुपुर प्लीज रेफर बुक नुपुर मैं बुक्स रेफर करूंगा बट अभी दोस्त अभी हालत बहुत बुरी है <laughs> सुबह नौ बजे से पढ़ा रहे हैं सो अभी रेस्ट लेंगे बट किसी और दिन आपको बताते हैं नुपुर ठीक है किसी और दिन याद दिलाइए नहीं कर रहा क्यों ऐसा ना बोलो सीरीज में टेस्ट ही नहीं शो कर रहा आपकी शिकायत नोटेड डाउन है चलिए आपको रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है एक बेंजीन रिंग पर सी डबल ओ एन ए लगा हुआ है है ना और उसके साथ मतलब सॉल्ट था और वो एसिड में चेंज हो गया है एन फैक्टर बताना है इस प्रोसेस के लिए इफ यू वांट मी टू राइट हाँ मैंने देख लिया क्लास सिक्स हो आप बहुत अच्छी बात है मैं नर्सरी से हूं <laughs> मजाक नहीं करा मतलब दिल पे नहीं लेना यूं ही बस हंसी मजाक में रखना बातों को ये इसमें चेंज हो रहा है ठीक है बस अब इसका आपको बताना था इन फैक्टर सो गाइस वन करने वाले फाइव है यार फिर फाइव जीरो वाले भी है आप लोग फंस रहे हो बहुत ज्यादा बहुत फंसाया मैंने मिनटे में, में तो मुझे बहुत आया बहुत बेइजत हुए <laughs> बहुत बेजत भाई ये देखो मैं किंडर गार्डन से हूं यही कर लो आप बस यही कर लो पहले ये कर लो आप पहले ये कर लो आप है ना यही कर लो देखो क्या था क्वेश्चन में था क्या क्वेश्चन में ओह फ्यूज उड़ा रहा हूं क्या करना था क्वेश्चन में हाँ ये कर लो पहले क्या करना क्या था क्वेश्चन में यार बताओ ये ये, ओ, ओ, बड़िया, बड़िया। Actually, ये 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 देखो ओ, भाई सिद्धार्थ बढ़िया बढ़िया एक्चुअली मॉलिक्यूल था ये मॉलिक्यूल था देखिए तो कैसे बनाता है ये कटाया ना देखिए ये कन्वर्ट हुआ किसमें एसिड में कन्वर्ट हुआ सारे लोग जानते हैं कार्बोक्लिक एसिड है सो so, आप यहां और यहां में चेंज देखो ना चेंज किस बात का एक एच प्लस का है ना कितने एच प्लस का एक एच प्लस का खत्म इन फैक्टर वन है सो दिस इज द आंसर क्या ही करना था उसमें सिर्फ और सिर्फ शक्ल बदल दी कॉन्सेप्ट तो वही रह गया एक एच प्लस का डिफरेंस है सो गाइस लव यू सो मच थैंक यू सो मच टेक केयर गाइस हैप्पी न्यू ईयर गाइस बहुत 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 सारा प्यार आपके लिए लव यू ऑल यार हैट्स ऑफ दिल से दुआ निकलती है जब ये देखता हूँ कि लोग पागल जैसे साथ साथ मेरे मेहनत करने को तैयार है और मेरा जो मकसद था कि लोगों को कंटिन्यूअस मेहनत करने की आदत डलवा देना हालांकि देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है गाइस सो मैं इस चीज़ को कम करूंगा बट मेरा मकसद मैं बार बार बता दे रहा हूँ आप में से सारे लोग जा सकते हो मैं तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग करने के लिए आता हूँ है ना बट देखता हूँ जोश आपका तो देख करके मुझे भी फील होता है कि यार मैं कर सकता हूँ आपके साथ और ज्यादा डिस्कशन और अच्छा और अच्छा बना सकता हूँ क्लास को ये फील आती है ठीक है सो so, चलो ऑल इन ऑल मैटर तो ये करता है कि हम लोग सेफ रहें अभी के टाइम पे और जितनी ज्यादा हो सकता है पढ़ाई करें क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सब घर पर हैं सो so अभी थोड़ा हम जागने का काम ज्यादा और सोने का कोई और टाइम मतलब कर सकते हैं मैनेज हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ना सो so, चलते गाइज थैंक यू सो मच लव यू सो मच गाइज बहुत अच्छा लगा दैट्स सो कुल हैड्स ऑफ एंड फिर से यार ढेर सारा प्यार आपके लिए ढेर सारा प्यार ढेर सारा प्यार ढेर सारा प्यार आपके लिए मजा आया चले लीडर बोर्ड चाहिए ओके okay, भाई भाई नहीं याद दिलाया लीडर बोर्ड तो दिखा दो तो जाते जाते कौन विजेता है हाँ जी बिल्कुल क्यों नहीं ये तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगा ही नहीं और ये ऑफ भी नहीं होगा सो so, चलिए भाई तो इज द विजेता योर सुपर बदमाश निधि गुप्ता ओ हो 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 अभिषेक ओ हो चलिए अभिषेक तो विनर बट देर वॉज गाइस बहुत सारे चेंजेस हुए थे बहुत चेंजेस हुए थे और बहुत मजा आया चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे है ना लगातार लगातार ये क्या चल रहा है बू 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 हाँ थैंक यू नुपुर थैंक यू सो मच सो बाय गाइस निधि कपिल राम दिशी नुपुर सिद्धार्थ देशी अभिषेक यस अभिषेक भाई हेड्स ऑफ बहुत अच्छा सिद्धार्थ प्रभनूर बू 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 क्या बू बू हो रहा किसको बू रहा भाई भू या करते रहो बस यही चलते हैं फिर है ना बाय थैंक यू गाइस लव यू सो मच बाय टेक केयर चलते हैं हो सो क्या क्या जाए गाना हो जाए कौन से गाने में लास्ट में गाया हम्म मेरे महबूब कयामत होगी आज सु तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल ना काम से रुक सत होगी निकलगा तेरा ही रब से जान जब इस दिल ना काम रुक सत होगी मेरे महबूब कयामतगी दिल ना काम से रुक सत होगी मेरे मबूब गया